मेरा नाम अखिलेश है, बात कर रहा हूँ आपसे नोएडा से, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ सर, एनसीआर यानी नोएडा से। बाई बर्थ फ्रेंड्स मैं हूँ कहाँ से, बनारस से, लेकिन रहता हूँ दिल्ली में 2011 से, क्योंकि 1998 लगभग 20 साल से मैं आईटी फील्ड में हूँ, राइट 20-22 साल हो चुके मोटी मोटा, 22 साल से मैं आईटी फील्ड में हूँ और सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर भी मैंने साल नौकरी की है, वो भी मात्र 1500 महीने की, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, राइट। बट एक बात पक्का है कि आईटी में काम करते करते जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था अपनी आईटी कंपनी खोलने के लिए, यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी खोली, राइट। और कंपनी खोलने के बाद दोस्तों एक बात आ गई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज कट रही है, मैं रिपीट करूँ क्या इस बात को, मैं काम तो स्पीकर पे डाल देता हूँ इसको, अपना ईयरफोन हटाई, राइट। तो दोस्तों जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो मेरा पर्पज एक मात्र था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए अपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है, और फ्रेंड्स मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, और बेस्ट पार्ट ये रहा कि ड्यूरिंग 6-7 ईयर मैंने लगभग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी 250 प्लस कंपनियों को असिस्ट किया, प्लान डिजाइन करके दिया, और बहुत तरीके से मैंने प्लान डिजाइन किया दोस्त। तो मेरा जो एक्सपर्टीज है वो नेटवर्क मार्केटिंग की कैलकुलेशन के ऊपर में है, मैं प्लान डिजाइन करता था, मैं असिस्ट करता था, बहुत सारी चीज़ें बेचता था, सर्विसेज लाइक ISO सर्टिफिकेशन, कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस 24/7 का, टोल फ्री नंबर्स, और साथ में वर्चुअल ऑफिसेज किसी कंट्री में चाहिए तो ये सारी चीज़ें मैं सेल किया करता था थ्रू आउट माई कंपनी। तो इन चीज़ों करने के बाद फ्रेंड्स मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनली 1 अगस्त 2018 को मैंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया। हालांकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का 6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस उसके पहले का है, लाइक मैं हिंदुस्तान लीवर किया जो बंद हो गई 2007 में, मैंने आयुष संते किया जो 2015 में हमारे इंडिया की कंपनी वेस्टीज में मर्ज हो गई थी जा करके, राइट। मैं आयुष संते के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी हुआ करता था, टॉप 5 में था वहाँ पे। इसके बाद में फिर मैंने तो कनेक्शन ये रहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव तो था लेकिन सक्सेसफुल करियर नहीं बोल सकते आप। तो तलाश जारी थी कि कोई ऐसी कंपनी हो जो प्रोडक्ट बेस में हो और एक बड़ा करियर बिल्ड कर सके। तो 1 अगस्त 2018 का दोस्तों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया था। नाउ मैं दो पार्ट में आज मीटिंग में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली मैं बात ये करने वाला हूँ कि व्हाई दिस कंपनी, राइट, और कहीं ना कहीं उससे भी पहले दोस्तों मैं ये डिस्कस करूँगा व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि बहुत लोग हर मीटिंग में फ्रेशर आते हैं, मेरी कई लोगों से बात होती है आजकल मीटिंग के बाद में, वो बहुत अप्रिसिएट करते हैं सर अखिलेश जी थैंक यू सो मच, बहुत लोगों ने प्लान दिखाया, बट जिस हिसाब से आज आपका प्लान हुआ देख के मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या किया, तो उन्होंने बोला कि अक्सर लोग आके प्लान नेटवर्किंग चेन जोड़ो सिस्टम बनाओ उनको लाओ तो बिजनेस पैसा आएगा, लेकिन आपने जो शुरुआत की वो डिफरेंट थी, फिर नेटवर्क मार्केटिंग पे आए दोस्तों। इसीलिए मैंने इस बार प्रेजेंटेशन में हर बार अब मैं थोड़ा सा फ्रेशर प्लस नेटवर्कर का प्लान लेके चलता हूँ, इससे टाइम थोड़ी सी बढ़ जाती है अभी। तो लेट्स सी दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन को, जिसके अंदर में मैं एक बात मैं दावा कर सकता हूँ कि यदि आप फ्रेशर हो तो आपका जो पहला 10 मिनट की स्लाइड होगी आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। यदि आप नेटवर्कर हो तो भी इस बात का मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि जो आज आप देखने वाले हैं वो आपके लिए अजूबा होगा, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग का आप तुर्रम खा होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन एक बात तो पक्का है कि जो आज मैं प्लान दिखाने वाला हूँ दोस्त, वो प्लान नेटवर्क मार्केटिंग में अब तक आपने नहीं देखा, ये बात पक्का है। क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों आज दावा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्लान के पीछे कितना ब्रेन लगा है, मुझे पता है इस प्लान के पीछे कितनी सर्वे रिपोर्ट कनेक्टेड है, मुझे पता है ये प्लान को बनाने के पीछे डीके सर की कितनी मंशा थी, राइट। तो मैं आपको सिर्फ बड़े मेरा सर आईपैड लेते आना यार विद पेंसिल, तो मैं ये मानना हूँ, मेरा ये मानना है कि यदि मैं आज को प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाना है तो एक बात तो दोस्त पक्का है कि आपको दिखानी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से आईपैड के ऊपर में। तो मैं चाहूँगा इस प्लान के ऊपर मैं आईपैड पर ट्रांसफर कर लूँ, जो कि नहीं कर पाया था बाई चांस फिर भी। तो मैं इंट्रोडक्शन देते देते अपने बात खत्म करूंगा फिर से यहाँ पे, कि जब हम प्लान की बात करते हैं, जब हम व्यवसाय की दोस्तों बात करते हैं, तो हर कंपनी की व्यवसाय कुछ चीज़ों पर टिकी होती है। मैं रिपीट करूंगा, हर कंपनी की व्यवसाय कुछ चीज़ों पर टिकी होती है। उन चीज़ों को हम बोलते क्या हैं दोस्तों, उन चीज़ों को बोला जाता है उस कंपनी, थैंक यू सो मच, तो मैं बोल रहा था कि हर कंपनी का व्यवसाय कुछ पैरामीटर पर टिके होते हैं। अरे पैरामीटर तो बात की बात है, एक और बात यहाँ पे आती है कि जब मैं किसी कंपनी को शुरू करने जाता हूँ, यानी मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ, कि जब आप किसी कंपनी को स्टार्ट करने जाते हो काम के लिए, तो एक सवाल फिर से पैदा हो जाता है कि चलो मैं शुरू तो कर दूंगा लेकिन क्या होगा यदि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एक सवाल, और दूसरी कि यदि मैं करने जाऊंगा तो मुझे कौन कौन से पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी को इस प्लान को कर पाऊंगा, राइट। तो फ्रेंड्स इसी मुद्दे पे आज मैं आपसे बात करूंगा, और मैं आपको एक विजन देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा सक्सेसफुल करियर है और साथ मेरे साथ हजारों लोग का सक्सेसफुल करियर है। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा कि आज इस प्लान को दोस्त ध्यान से आप देखना, आपके सामने बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई होगी, लेकिन दोस्त मेरा ये वादा है आपसे कि आज का प्लान आपके पूरे लाइफ के प्लान से अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है, जो कहीं भी मैच नहीं करेगा, कंप्लीट अनमैच होने वाला है। अनमैच कैसे मैं बोलूँ, बार बार इन चीज़ों को वर्डिंग को ध्यान दीजिएगा मेरे, अनमैच बोलने के पीछे दोस्त रीजन सिर्फ एक है,
कि मुझे पता है कि जब मैं इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसी बाधाएं चैलेंजर लोगों ने डाले थे कि ये कंपनी नहीं चल पाएगी, ये समस्याएं हैं। फिर भी मैंने बोला कि यार नहीं चल पाएगी तो भी देखेंगे क्या समस्या है, देखते हैं क्यों नहीं चल पाएगी, और इन पैरामीटर को देखते हुए मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम बोलते हैं कंपनी कोई भी हो, इनकम या कोई भी, आप नौकरी में हो, जॉब में हो, कहीं भी हो, राइट, कहीं भी हो, जब जॉब में पैसे में कहीं भी आप रहते हो दोस्तों, एक समस्या वहाँ पे खड़ी ये होती है कि जब आप नौकरी करने जाओगे या जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे एक चैलेंज ये हो जाती है कि आप नौकरी तो करोगे लेकिन पैसा आएगा कैसे। तो दोस्तों पैसा कमाने का हर इंसान के लाइफ में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आप भी पैसा बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ, लोग भी बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी कोई भूखे मर रहा है, राइट। लेकिन सिस्टम को, प्लान को समझना नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी नहीं होता, जरूरी है कि कोई भी सक्सेसफुल लीडर कैसे करता है। तो हम ही बोलते हैं दोस्तों पैसा कमाने का आज हर व्यक्ति के पास में कुछ तीन चार ही रास्ते ऐसा दुनिया में खोजा गया। नंबर वन, किसी भी कंपनी में इंप्लॉई बन जाओ, आप एक जॉब ज्वाइन करो और पैसे बनाओ। नंबर दो, आप जॉब ज्वाइन करने के बजाय खुद ही जॉब पैदा कर लो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाओ और नौकरी करो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, दुकानदार हो गए, कोई मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, कोई एजेंसी आपने ले लिया, ऐसे केस में क्या है, 8 घंटे नौकरी ऊपर भी आप कर रहे थे यानी एम्प्लॉय बनके किसी और के लिए, और 8 घंटे नौकरी ये भी कर रहे हो बस ये अपने आप के लिए दोस्तों, लेकिन दोनों केस में आप कर तो नौकरी ही रहे हो। तो पैसा कमाने का दो ही तरीका है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट। बट बड़ा बिजनेस बनाने का, बड़ा पैसा बनाने का तरीका क्या होता है, बिग बिजनेस, टाटा, बाटा, रिलायंस, अंबानी दोस्तों, ये लोग खुद काम करने के बजाय एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जहां हजारों लाखों लोग उनके लिए काम करते हैं और वो घर पे भले बैठे रहे, पैसा उनको आता है। और चौथा तरीका दोस्तों है इन्वेस्टमेंट। आपके पास में बहुत सारी पूंजी थी, आपने 100-200 फ्लैट बना के दे दिया रेंट पे, पूरी बिल्डिंग की रेंट आ रही है कई लाख महीने, आपने कटरा बना के दे दिया, दुकान बना के दे दिया, उसका आपको आ रहा है रेंट महीने, तो आपने क्या किया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, करोड़ों रुपए एफडी डाल रखे हैं, वहां से आपको रेवेन्यू आ रही है। तो यानी आप या काम करेंगे या आपके लिए सिस्टम काम करेगा या आपके लिए पैसा काम करता है। इन्वेस्टमेंट के केस में पैसा आपके लिए काम करता है, लोग आपके लिए काम नहीं करते। ये चार के अलावा दोस्तों पांचवा कोई भी तरीका दुनिया में नहीं है जिससे आप पैसे बना सको। नाउ ये जो लेफ्ट वाला तरीका है ये इंडिविजुअल एफर्ट होता है, यहाँ पे आप अकेले काम करेंगे, अकेले काम करने को से 8-10 घंटे काम होगा तो इसमें पैसा लिमिटेड आता है। जो राइट वाला काम दोस्तों, इसमें टीम वर्क है, ग्रुप वर्क है, लोग ढेर सारे मिलकर एक किसी एक मालिक के लिए काम करते हैं, इसलिए इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आता है। सेम टाइम में जो EBSI ये क्वाड्रेंट बेसिकली इसको दिया था रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो कि US से हैं बेसिकली और डोनाल्ड ट्रंप के फ्रेंड हैं और उनके पार्टनरशिप में बुक्स भी लिखी हैं, और अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों को उन्होंने इकोनॉमिकली एडवाइजरी बोर्ड में थे, वो एडवाइज किया करते थे कि इकोनॉमिक यानी आपके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको क्या क्या देश में करना चाहिए। यदि कोई दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री को ये सलाह देता हो कि आपको इकोनॉमिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्त, तो कहीं ना कहीं उसके बातों को आपको भी गौर करना पड़ेगा। तो उनका ये कहना, ये जो चार कैटेगरी में से ई और एस है लेफ्ट वाला, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव मीन्स यदि आपको कोई इनकम आए एक्टिव रहने पे, जब तक आप एक्टिव हैं तब तक इनकम आएगी दोस्त, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, यानी काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। तो एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, और काम न करें तब भी पैसा आए दोस्त, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो दुनिया में यदि हम मैं बात करूँ कि आप काम न करो, एक समय के बाद काम करना छोड़ दो तब भी पैसे आते रहे तो कैसा होगा, तो हर आदमी बोलेगा अच्छा रहेगा। तो सवाल पैदा होता है कि एक्टिव इनकम में आम आदमी है और पैसिव इनकम में दुनिया के बड़े बिजनेसमैन या अमीर या रिच लोग हैं। अब सवाल फिर से पैदा होता है कि आंकड़े ये बोलते हैं दोस्त कि दुनिया का 5% पैसा 95% पब्लिक में बटी हुई है, वो यूज करते हैं, सिर्फ 5% में अपना गुजारा करते हैं, और दुनिया का 95% पैसे पे सिर्फ 5% लोगों ने कब्जा करके बैठा हुआ, होल्ड करके बैठा हुआ है। जैसे एग्जांपल दूं, पूरे दुनिया में यदि 100 रुपए हों, अब पूरे दुनिया में 100 ही लोग हों, तो आंकड़े बोलते हैं कि 5 रुपए में 95 लोग गुजारा करते हैं, अब बचा हुआ 95 रुपए बस 5 लोग अपने घर में रखे हुए हैं, जैसे टाटा बाटा है दुनिया के अमीर, बिलगेट से लेके ये लेके जो बड़े बिजनेसमैन हैं, राइट। यानी आंकड़ा बहुत क्लियर है कि एक आपने आंकड़ा सुना होगा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब को रिच होने का फार्मूला नहीं पता, राइट, गरीब को रिच होने का फार्मूला नहीं पता और अमीर को फार्मूला पता है। नतीजा आंकड़े यहां तक बोलते हैं कि यदि पूरी दुनिया का पैसा पूरे दुनिया के सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो साल से लेकर 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल के अंदर में फिर से जो पैसा अमीर का था अमीर के पास चला जाएगा, गरीब फिर से गरीब हो जाएगा, क्योंकि गरीब को पैसा से पैसा बनाने नहीं आता और अमीर को वही चीज आती है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यदि हम रिच नहीं है तो हमें रिच होना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा तरीका है कि वो रिच लोग फिर से पैसे से पैसा बना लेते हैं। लेट्स सी। तो उसका सिंपल फार्मूला दो, हमारे बुजुर्ग बोल गए हैं टाइम इज मनी।
जितने देर आप काम करोगे उतने देर का पैसा, यानी इनकम का एक फार्मूला है, योर स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू योर इनकम, यानी आप अपनी योग्यता को जितने देर बेचेंगे, जितने समय बेचेंगे उतने देर का आपको पैसा। एक एग्जांपल, एक कॉमन मैन, एक लेबर क्लास का आदमी यदि 100 रुपये पर घंटे की एबिलिटी वाला हो तो 8 घंटे काम करके 800 रुपये उसको दोस्त रोज मिल जाता है। अब आप पूछेंगे ये मुझे कैसे पता मेरी एबिलिटी कितना पर आवर की, तो दोस्त कुछ मत करो, करेंट टाइम में आपको जो सैलरी आती हो उस सैलरी को 10% बढ़ा दो, 15% बढ़ा दो, जो बढ़ जाएगा अगले 2-3 सालों में आपकी। अब जितनी आपकी सैलरी बनी, जैसे मान लेते हैं कि आपकी सैलरी बनती मान लीजिए 50,000, तो आप एक दिन में 8 घंटे जॉब करोगे तो 30 दिन में कितने घंटे जॉब हुआ आपका, 8 घंटे × 30 240 घंटे। तो अपनी सैलरी यानी 50,000 डिवाइड बाई अपनी सैलरी कर दो, यानी 50,000 डिवाइड बाई आपको कितना कर दोगे आप, 240 घंटे, क्योंकि आप एक महीने में 240 घंटे काम करते हैं, तो बाई डिफॉल्ट जितना निकल के आएगा आपके एक घंटे की वो कीमत है, राइट। तो 100 रुपये घंटे का आदमी कीमत हो तो 8 घंटे काम करके 800 रुपये रोज कमाता है। वहीं कोई MBA MC वाला हो जाता है दोस्त, तो वहां पे वो क्या करता है, इनकम कितना करना शुरू कर देगा, कॉमन मैन की जगह मैं आपको बोला एक प्रोफेशनल आ गया वहां पे, तो 200 रुपये पर घंटे की एबिलिटी हो तो 8 घंटे में वो 800 रुपये रोज कमा लेता है। वहीं पे 8 घंटे में वो कितना कमा लेगा, 1600 रुपये रोज कमा लेगा, बिकॉज उसकी एबिलिटी 200 पर आवर है। सेम टाइम में यदि एक प्रोफेशनल हो, लाइक डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गए, ये लोग हो गए, या कोई जनरल स्टोर मेडिकल स्टोर वाले हो गए जो अपना बिजनेस ओन करते हैं, 1000 रुपये घंटे के हिसाब से जो इनकी इनकम आए तो दोस्त वो 8,000 रुपये रोज लेके जाएगा, 2.5-3 लाख महीने कमा लेगा। वहीं पे एक हाईएस्ट प्रोफेशनल की दोस्तों बात करूं तो बड़े आराम से उनकी इनकम की बात बात किया जाए, यदि इनकम मान लेते हैं मैं यहाँ पे 10,000 रुपये घंटे की, तो दोस्त 8 घंटे काम करके वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि 800 रुपये 80,000 रुपये रोज कमा सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे एक चीज़ कॉमन पूछूं कि सभी ने एक बराबर काम किया देखा जाए, तो दोस्तों सभी की वर्किंग आवर एक बराबर ही है, लेकिन इसी वर्किंग आवर में किसी की इनकम देख सकते हैं 800 आती है तो किसी की इसी वर्किंग आवर में इनकम कितनी आ रही है, 80,000। तो दोस्तों दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में दोस्त एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है एबिलिटी। फार्मूला सिंपल ये बोलता है कि यदि आपको बड़ी इनकम करनी है तो दो में से एक चीज को बढ़ानी पड़ेगी। मैं रिपीट करूंगा, यदि आपको बड़ी इनकम करनी है तो आपको इस दो में से एक चीज को बढ़ानी पड़ेगी। क्या, चाहे आप एबिलिटी बढ़ा लो, चाहे आप क्या बढ़ा लो अपनी, है ना, मैं रिपीट करूंगा, चाहे आप एबिलिटी बढ़ा लो, चाहे आप अपनी बढ़ा लो वर्किंग आवर। अब दिक्कत यह कि वर्किंग आवर दोस्त एक टाइम के बाद नहीं बढ़ती, यानी वर्किंग आवर की एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो वर्किंग आवर नहीं बढ़ती। तो सवाल यह पैदा होता है कि वर्किंग आवर को बढ़ाने का तरीका क्या है, तो दोस्त वर्किंग आवर को बढ़ाने का बस एक ही तरीका होता है कि आप एक कहीं ना कहीं बिजनेस को ओन करो। अब ये बिजनेस को ओन करोगे कैसे, लेट्स सी, यानी अपनी एबिलिटी को बढ़ा लो। अब एबिलिटी को आप बढ़ाओगे कैसे, एबिलिटी दोस्तों एक टाइम के बाद बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो आम आदमी क्या करता है, वर्किंग आवर को बढ़ाता रहता है। यहां पे मैं बोलता हूं, एक आम आदमी थी धीरू भाई अंबानी, जिनको पेट्रोल पंप भरने का काम, पेट्रोल पे पेट्रोल पंप भरा करते थे, और उनकी उनको सोचो हाई स्कूल फेल थे, तो उनकी एबिलिटी क्या थी, तो अंडे वाली एबिलिटी थी उनकी, कुछ भी एबिलिटी नहीं थी, बट वो बिजनेसमैन कैसे बन गए, क्योंकि इस फार्मूले को फॉलो करना आ गया। धीरू भाई अंबानी की अपनी एबिलिटी दोस्तों 100 रुपये घंटे ही थी, एक आम आदमी की ऐसी, उन्होंने क्या किया, 100 लोगों को अपने लिए अपने यहां रख लिया नौकरी पे। मैं रिपीट करूंगा, 100 लोगों को अपने यहां उन्होंने रख लिया नौकरी पे, तो 100 लोग यदि 8 घंटे काम करें तो उनके लिए एक दिन में काम कितना हो गया, 800 घंटे। अब यदि 800 घंटे काम हो तो 1,100 रुपये के हिसाब से, यानी 100 रुपये एबिलिटी सभी की थी, लेकिन काम हुआ 800 घंटे 24 घंटे में, तो उनकी इनकम कितनी आ गई, 80,000। यानी देखा जाए तो जो व्यक्ति बहुत पढ़ाई लिखाई करके कंट्री हेड CEO कंपनी का ये लेवल जाता है, वो 80,000 रोज कमाता है। या अंबानी साहब ने या बिजनेस मैन ने क्या किया, जो खुद काम करने के बजाय 100 लोग को हायर कर लेता है, भले उसकी एबिलिटी 100 रुपये घंटे क्यों ना हो, फिर भी उसकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि उसके लिए एक दिन में कई सारे घंटे काम होते हैं। दोस्तों फार्मूला सिंपल बोलता है, रिच होने के लिए एक ही तरीका है कि 24 घंटे में कम से कम 1000 घंटे या इससे ऊपर जिस दिन आपको काम करना शुरू कर दिया उस दिन आप रिच होना शुरू हो जाओगे, 24 घंटे में 1000 घंटे। अब होगा कैसे, होगा ऐसे कि वो टीम वर्क से होगा, नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया का कोई व्यवसाय हो, ये अपना बोलता है कि जब तक, मैं रिपीट करूंगा, जब तक आप एक नेटवर्क को बिल्ड नहीं करते, आप एक टीम को बिल्ड नहीं करते, कभी जिंदगी में रिच हो ही नहीं सकते। एक सिंपल शब्द बोलूं तो जब तक आप समय को बेचोगे, अपने 8 घंटे को बेचोगे, तब तक कभी जिंदगी में रिच नहीं हो सकते। जिस दिन आप समय को खरीदना शुरू करते हो, यानी लोगों के टाइम को आप अपने लिए खरीद लेते हो, उस दिन आप रिच होने के पहला स्टेप पे आते हो। यानी सिंपल, यदि आप समय बेच रहे हो आज भी और भविष्य में बेचने की ही प्लानिंग है 8 घंटे 10 घंटे कहीं जाके, तो आप रिच नहीं हो सकते, लेकिन जिस दिन समय खरीदना शुरू करोगे दोस्तों उस दिन पैसा आता है। आंकड़े बोलते हैं तो हम क्यों ना करें, फिर तो मैं भी क्यों ना करूं। दिक्कत यह है कि आप कैसे करोगे, आपको टीम बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं आपके पास, इसलिए नौकरी कर रहे हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं, तो EBSI में B और I के लिए पैसे चाहिए जो आपके पास है नहीं।
तो मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं दोस्त, सबसे इजी तरीका, इससे इजी तरीका कोई है ही नहीं दुनिया में एक नेटवर्क बिल्ड करने की या पैसा बड़ा बनाने की। हम बना रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके पास दूसरा रास्ता है भी नहीं कि आप ये सोचो चलो यार कुछ और सोचूंगा, नहीं सोच सकते क्योंकि एक भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेट्स सी, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्या करना होता है दोस्त, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ तीन काम करने होते हैं। इसी तीन काम के बिहाव पे दोस्त आपको यहां पे आते हैं पैसे। अब वो तीन काम कौन कौन सा है ये देख लीजिए, यदि ये तीन काम आप कर सकते हैं तब तो इस फील्ड में सफल हो जाएंगे, और नहीं कर सकते फ्रेंड तो इस फील्ड से आप संन्यास ले लेना। तीन काम कौन सा, सबसे पहला काम चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। सुबह सो के उठने से रात के सोने तक जिस भी सामान जिस भी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं अगले एक डेढ़ साल के लिए हमारे कहने पे उस सामान को इस्तेमाल वहां से बंद कर दीजिए, जहां से मैं बोलूं उस शॉप से उस कंपनी से लेना शुरू कर दीजिए। अब आप क्या बोलोगे मैं क्यों अपना ब्रांड चेंज करूंगा, मैं बोलता हूं इसलिए कि आप जिंदगी भर ब्रांड चेंज किए आपको एक चवन्नी नहीं मिली, अब ब्रांड मेरे कहने में चेंज करोगे तो पैसा आएगा बिजनेस आएगा। आप बोलोगे और कोई रीजन, और कोई रीजन, आप जब पूरी जिंदगी में जब ब्रांड चेंज किए तो आपने ब्रांड चेंज करने के एक्सपर्ट बन चुके हो। अब तक आप कोलगेट लेने गए थे पेप्सोडेंट लेके चले आए, ब्रांड चेंज नहीं किया था। आप बाबा रामदेव प्रोडक्ट लेने गए डाबर लेके चले आते हो, ब्रांड चेंज नहीं किया था। आप हिमालय लेने गए थे जॉनसन जॉनसन लेके चले आते हो बच्चे के लिए, ब्रांड चेंज नहीं हुआ। जिंदगी भर हम ब्रांड चेंज करते हैं कपड़े में, गाड़ी में, घर में, हर चीज को। तेरी डेढ़ साल मेरे कहने में चेंज करना पड़ जाए उससे इनकम है तो बुराई क्या है। तो पहला काम इतना ईजी है कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं कर सकता। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई महंगा तो नहीं बेचोगे। सर महंगा नहीं बेचूंगा, मार्केट के रेट में उससे सस्ता बेचूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% आप ब्रांड चेंज कर सकते हो। तो तीन में से पहला काम तो आसान था, हमने ब्रांड चेंज कर लिया। नंबर दो जो काम होता है, जब आपको ब्रांड चेंज करेंगे तक समस्या आएगी कि सामान या पसंद आएगा या नहीं आएगा। पसंद नहीं आए भूल जाओ, पसंद आ जाए तो इसके बारे में दोस्तों दूसरे से क्या करना है, शेयर करना है, यही दूसरा काम है। अब फिर वो लोग मैं शेयर क्यों करूं, मैं बोलता इसलिए करो कि आप धन्ना सेठ के बच्चे तो हो नहीं। अमिताभ बच्चन पिक्चर बना के शेयर करता है नॉर्थन लगाओ मेरे जैसे कुल कुल हो जाओगे, सब जानते हैं कि झूठ बोलते हैं भाई साहब, वो खुद तेल नहीं लगाते तब भी उनको पैसा दिया जाता है इसलिए झूठ बोलने का। उनकी बहू आके बोलती है क्या लक्ष्य लगाओ मेरे जैसे हो जाओगे, दुनिया के कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई लक्ष्य लगा के, बेचारे गोरे कभी हो नहीं पाए इंक्लूडिंग मी, लेकिन वही झूठ बोलने में उनके बहू को पैसे जाता है ऐश्वर्या राय को, राइट। तो उनको झूठ, जब वो धन्ना सेठ वो लोग आके ये बता सकते हैं कि ये करो ये लगाओ, आप कौन से धन्ना सेठ के बेटे हैं कि आपको बताने में शर्म आ रही है भाई साहब। आपको जो पसंद आ जाए वही बताना है किसी और को कि ये चीज है इसको आप इस्तेमाल करो इससे पैसा आएगा। यदि आपके कहने पे भाई आप दो लोग को रोज फोन करें तो महीने में 60 लोग को फोन करेंगे, 1000 लोग का नंबर होता है आपके फोन में। यदि आपके कहने पे दोस्त मान लीजिए दुकान चेंज कर लेते हैं 20 से 25 लोग, तो लगभग आपको दोस्त 10 से 15 हजार महीने की साइड इनकम आनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए आपको कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती, बस वो लोग अपना सामान यूज करेंगे आपको 10-15 हजार महीने आ जाएंगे। यही था दूसरा काम। अब इस दूसरे काम में भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब दूसरे काम के बाद सबसे आखिर और लास्ट और तीसरा काम, जो लोग आपके कहने में दुकान चेंज किए हैं दोस्त, अब उनका आपको सपोर्ट करना है। कैसा सपोर्ट, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, बिजनेस के बारे में जानकारी देना, कब मीटिंग, उनको मीटिंग में बैठाओ जैसे मीटिंग चल रही है। साथ में आपको उनको सपोर्ट क्या करना है कि जैसे आपकी इनकम 10 से 15000 महीने हो गई, कब, जब आपने 20 से 25 का दुकान चेंज कराया था, तो आप प्रयास करो कि वो 20-25 लोग की भी इनकम 10 से 15 हजार आप जैसे हो जाए। बस यही आपको सपोर्ट करना है। यदि आपने ये सपोर्ट करके उनकी भी 10-15 हजार महीने की इनकम करा दी तो दोस्त आपके लगभग 2.5 से लेकर 3 लाख महीने की इनकम आनी शुरू हो जाती है। यही सिस्टम था। यानी शॉर्टकट में तीन काम करना है, क्या क्या, यूज करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना है। यूज, शेयर, सपोर्ट, तीसरा कोई काम होता ही नहीं। ये कौन सा रॉकेट साइंस है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, अनपढ़ आदमी भी यूज कर सकता है, दूसरों को बता सकता है, हेल्प कर सकता है। आपको समय चाहिए नहीं, यूज करने के लिए कौन समय चाहिए, वैसे भी यूज करते हो किसी न किसी ब्रांड का सामान। बताने के लिए समय चाहिए नहीं, अरे आप ड्यूटी से आते हो रात को बाइक में बैठो कार में बैठो मेट्रो, वहीं से दो लोगों को घंटी घुमा दिया भाई एक प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, जैसे बिजनेस मिलती है आप भी देखो, मेट्रो में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, इसमें कौन सा आपको समय चाहिए। आप ना समय का बहाना कर सकते हैं, आपने ये बोल सकते हैं मैं गरीब हूं, आपने ये बोल सकते हैं मैं अनुभव हूं, तो भाई साहब रोक क्या रही है आपको, बस आपकी विल पावर जो सिखाएंगे हम, डोंट वरी। तो यूज, शेयर, सपोर्ट दोस्तों, यही तीन काम नेटवर्क मार्केटिंग में करना पड़ता है। और जैसे ये काम समझ में आया तो एक सवाल फिर पैदा होता है, यार फ्रॉड तो नहीं है। बोलता भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यदि मैं जूम करूं इस लाचर जूम इसमें नहीं कर सकते पावर पॉइंट में बस होता है, ओके कोई बात नहीं, यदि मैं बताऊं आपको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बकायदे 2016 के अंदर, भाई देखिए गिरेगा तो नहीं है, हाँ सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के अंदर बकायदे गाइडलाइन जारी किया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, समझना, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2016 में गाइडलाइन जारी किया, जो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग,
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, पॉलिसी प्रमोशन, कंज्यूमर डिपार्टमेंट, एवरी वन, मतलब हर जगह से हम कनेक्टेड हैं। दोस्तों जिस तरह से IRDA गवर्न करती है इंश्योरेंस को, RBI गवर्न करती है बैंकिंग को, और SEBI गवर्न करती है स्टॉक मार्केट को, ठीक वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में आती है नेटवर्क मार्केटिंग। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 2-3 साल पहले गाइडलाइन जारी करती है और अब पढ़े लिखे लोगों को अभी डाउट है कि ये फील्ड सही है कि नहीं सही है। दोस्त भगवान मालिक है आपके लिए, फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन ला चुकी है यार। आप इमेजिन करना कि द इंडियन एक्सप्रेस का अखबार ये बोलता है, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो 29 जून 2016 के अखबार की कटिंग है, 29 जून 2016 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, सॉरी फिक्की ये बोलती है कि 2016 में 7,500 करोड़ का नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार चल रहा था, और ये बोल रहे थे कि 64,500 करोड़ का नेटवर्क मार्केटिंग होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2025 तक। यानी अगले 4.5 साल में दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार 64,500 करोड़ का होने वाला है, और अभी भी आपको डाउट है कि मैं करूं या ना करूं। अरे यार पिछले साल 13,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था MLM का, 13,000 करोड़ के बिजनेस में जब मार्केट में आ जाए, और जब ये बिजनेस जाएगा मान लीजिए यहाँ पे 65,000 करोड़ का, अगले 4.5 साल में पैसा कौन बनाएगा मैं आपसे पूछता हूँ। कॉमन सेंस तो आप ही रखते हो ना। आज जब इतने कम बिजनेस में मार्केट में आओगे और जब ये बिजनेस बढ़ेगा तो दोस्तों पैसा बिल्कुल आप कमाओगे, कोई दूसरा आदमी तीसरा भी नहीं कमाएगा। यहाँ तक कि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आप जरा ध्यान दीजिए, 2014 से डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग नाम से कोर्स चला रही है, और आपको अभी भी डाउट होता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। मजे की बात ये देखना, यहां तक यदि मैं आपको बोलना चाहूं तो यहां तक सिचुएशन ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की सॉरी सबसे बड़ी एजुकेशनल आज संस्थान है, जहाँ एजुकेशन के लिए लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। सर BCom ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्स लॉन्च किया 2018 में, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में कोर्स लॉन्च कर दिया। यहाँ तक यदि मैं सिलेबस दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं मल्टीलेवल मार्केटिंग या MLM क्या होता है, कितने टाइप के इसमें प्लान होते हैं, है ना, रीजन ऑफ फॉर ग्रोथ, नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ क्यों कर रही है, पूरे रीजन, पूरे केस स्टडी आ चुकी है। और आप पढ़े लिखे इंसानों को भी डाउट है, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप ज़्यादा समझदार हो दोस्त, मैं रिपीट करूँगा, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप ज़्यादा समझदार हो तो आप बिल्कुल नौकरी लायक बने, नौकरी करो। पर यदि आपको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स लॉन्च की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन लेके आ चुकी है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। एक बात का हमेशा ध्यान देना, आपकी गरीबी के लिए जिम्मेदार हमेशा आपकी पिछली पीढ़ी होती है जो अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाती। आपके बाप के पास, आपके दादाजी के पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनके टाइम में एक ही अपॉर्चुनिटी थी रियल एस्टेट की। कौड़ियों के दाम में जमीन हुआ करते थे, जंगल झाड़ी में जमीन कौड़ियों के दाम पे होते थे, उनकी विजन नहीं काम की, उन्होंने कभी भी उस जमीन को लिखवाया नहीं, अपने नाम पर नहीं लिया, उनका विजन का दिक्कत था। लेकिन दोस्त इस समय आपको ये विजन लेके चलना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो रियल टाइम है यही टाइम है, नेटवर्क मार्केटिंग का रियल टाइम यही टाइम है। आज आप सोचो उनको विजन नहीं था, लेकिन आपको तो विजन होना चाहिए कि आपके समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेके आ रही है, MBA का कोर्स आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स आ चुका है, और आप नहीं कर रहे हैं इसको, अवॉइड कर रहे हैं इसको। आज के 15 साल बाद जब आपका बच्चा पूछेगा कि पापा आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग में गवर्नमेंट गाइडलाइन लेके आ गई, यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू हो गई, अखिलेश नाम का कोई बंदा ऑनलाइन जूम पे सिखा रहा था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया? दोस्त आप जवाब पूछना कि क्या जवाब दोगे अपने बच्चे का, क्योंकि आप उस बच्चे के करियर तबाह करोगे यदि आप गरीब रह गए गलती से। तो गरीब क्यों रह गए? क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पा रहे, दिस इज द इशू। दोस्त ये आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बोलता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डेटा बोलते हैं। अब सवाल अगेन फिर पैदा होता है, चलो ठीक है मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन किस कंपनी में ज्वाइन? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों सब मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे 457 ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय नेटवर्क मार्केटिंग में अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके भारत में काम करी। हालांकि उसमें कुछ फर्जी भी है, कुछ जेन्यून है, क्योंकि फर्जी जुनून कैसे मालूम होगा? जब तक गाइडलाइन को कानून नहीं बदला जाए, अभी कानून नहीं बना भारत में, अब क्योंकि अभी 13 स्टेट में गाइडलाइन जारी हुआ है, बाकी भी स्टेट उसको भी अपना रही है धीरे धीरे, तो मुझे लगता है 1-2 साल भी और लग जाएगा कानून बनने में। तो सवाल ये पैदा होता है कि 457 में से कौन सी कंपनी ज्वाइन करूँ? अब यहाँ पर मैं बात करूँगा अपनी, अब तक तो मैंने बात की अब कोई भी कंपनी कर सकते थे, वाई आवर कंपनी, इसके बारे में बात मैं अब करूंगा जो मेरे पैरामीटर्स थे। ये सवाल मेरा था जब मैं आज के 2 साल पहले या 1.5 साल पहले इस कंपनी में आया था कि यार मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं, क्योंकि उसमें 350 कंपनियां थी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। तो मेरे सामने सिंपल सवाल था कि मैं बाइनरी प्लान नहीं करूंगा, मैं करूंगा जनरेशन प्लान, क्योंकि पीछे मैंने बाइनरी प्लान किए और मैं पैसा नहीं बना पाया, कंपनियां भागती गई या प्लान चेंज करती गई। तो जब मैंने सोचा मैं जनरेशन प्लान करूंगा, तो एक सवाल पैदा हो गया कि जनरेशन में कौन सा करेगा, क्योंकि 25 से 30 कंपनियां इंडिया में मेजर थी जनरेशन के अंदर में उस समय। तो मैंने डिसीजन लिया ओके लाइफ केयर, क्यों लिया बताता हूं, सिंपल मैंने देखा कि हर कंपनी वाले दोस्तों बोलते हैं कुछ की पिलर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसको 4P बोला जाता है डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहला कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और पे आउट,
चार चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, फोर पीस को बोलते हैं आप। मैंने कहा प्रोफाइल बेकार है, क्यों बेकार है, हिंदुस्तान लीवर से लेके हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग में भाग गई, सेनाज हुसैन बंद हो गई, सारा इंडिया बंद हो गई, अजंता घड़ी बंद हो गई, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफाइल की वैल्यू नहीं देता। प्रोडक्ट अच्छे बहुत अच्छे होने चाहिए, अगेन मैं इसको बहुत अच्छा कैटेगरी नहीं जानता, बहुत अच्छे इंडिया में कई सारी कंपनियां बेच रही हैं लेकिन इतना महंगा बेचती हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई पैसा नहीं बना पा रहा उस कंपनी के अंदर में। तो क्या प्राइस अच्छा होना चाहिए, यस, इंडिया के अंदर में प्राइस कॉन्शियस लोग हैं, क्योंकि इंडिया में 70% लगभग 100 करोड़ की आबादी की इनकम दोस्त 15,000 रुपये महीने ऐसे कम है, तो यहाँ लोग प्राइस पे पहले जाएंगे, उसके बाद पे आउट, यस। तो मैं हमेशा कंपनी को दोस्तों उल्टा देखता हूँ, क्या कंपनी के प्लान में पैसा है, यस, देन गो अहेड। पहले प्लान में पैसा होना चाहिए क्योंकि आपका परिवार तो पैसे से ही चलेगा, और पैसा आ गया तो दुनिया का बेस्ट बेस्ट आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया को कोई कंपनी का हो। तो पहले प्लान में पैसा, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा भी ना हो कि कंपनी बर्बाद हो जाए, बांट ना पाए। तो प्लान में पैसा, बैलेंस प्लान, नंबर दो प्राइस अच्छी होनी चाहिए, नंबर तीन प्रोडक्ट ठीक ठाक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, देन काम गो अहेड। और चौथा और आखिरी पार्ट दोस्तों, पांचवा पार्ट, तो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, यानी एक फ्रेशर को नेटवर्कर बना सके ऐसा उसके प्लान के अंदर दोस्त पावर होनी चाहिए, तो वो कंपनी बड़ी हो सकती है। और मजे की बात ये रही कि हमारे केस में ये चारों पांचों पार्ट बहुत मजबूत है। ADP अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से कंपनी ट्रेनिंग करती है, एक रात दो दिन का फ्री ऑफ कास्ट सबके लिए। LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनी दो रात तीन दिन का करती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट सबके लिए। राना खाना पीना फाइव स्टार या फोर स्टार होटल में फ्री ऑफ कास्ट होता है हमारे साथ में। हम जो ट्रेनिंग करते हैं रोज 3 बजे प्लान करेंगे, अभी जैसे आज शाम को 5 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आपको लिंक दूंगा मीटिंग खत्म होने के बाद में, याद दिला रहा हूँ। हमारी कंपनी, आपको खुशखबरी दिला रहा हूँ, हमारी कंपनी हर हफ्ते में 3 दिन 11 बजे 2 बजे और 5 बजे कंपनी ट्रेनिंग करी प्रोडक्ट की पिछले हफ्ते से। मैं अभी लिंक नहीं दिया था, आज से लिंक दूंगा कन्फर्मेशन के बाद। तो हफ्ते में 3 दिन सबके लिए ट्रेनिंग है, और हफ्ते में 3 दिन लीडर के लिए ऑप्शन है कि जो ट्रेनिंग वो चाहे अपने हिसाब से करवा सकता है। कंपनी में ट्रेनर आके बैठे हुए ट्रेनिंग पर डे कर रहे हैं जूम के ऊपर। आज 5 का लिंक मैं आपको देने वाला हूँ, डोंट वरी, राइट। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम दोस्तों बहुत मजबूत है। लेट्स सी नाउ, हम बात करते हैं प्रोफाइल। आज यदि हम अपनी कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आज हमारी कंपनी की अपनी 3 यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, 21 स्कूल और कॉलेजेस हमारे पास में हैं, 5 TV चैनल का लाइसेंस है जिसमें 3 ऑन एयर हैं। इन 3 ऑन एयर में भी हमने टाटा स्काई एयरटेल पे थे, इको इंडिया न्यूज चैनल हमारा जिसको हम अब शिफ्ट कर रहे हैं जियो के प्लेटफॉर्म पे, 5 फिल्में दोस्तों अब तक हम 6 फिल्में बना चुके हैं ओके मूवीज के बैनर के तरह। हमारी कंपनी फिल्म पहली लॉन्च की नवंबर में, बोला गया कि आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्म देखो, जितने का टिकट होगा उसके आधे वैल्यू का सामान फ्री ले जाओ, साथ में 40% का बिजनेस वैल्यू। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था। अगली मूवी हमारी रिलीज होने वाली थी 1 मई को, हवाएं, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना मोशन पिक्चर, आपको मोशन पिक्चर उसका पोस्टर मिल जाएगा। हवाएं जो लॉकडाउन की वजह से अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि अब दोबारा कब रिलॉन्च करेंगे, बट लॉन्च होने वाली, जब लॉन्च होगी तो दोस्त सिनेमा हॉल में बार बार ओके 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 ग्रुप का नाम आ रहा है, यूट्यूब पे ओके छाई हुई है, गाने हमारे अच्छे अच्छे ओके लाइव के आए हुए हैं जो पिछली मूवी के, बार बार ओके ओके थी सिनेमा हॉल में, मूवी में, अखबार में, हर जगह हो। सर अगले 2-3 साल में आपकी ब्रांड इमेज इतनी बड़ी बनने वाली है मीडिया के अंदर में कि आप सोच भी नहीं सकते। प्री प्लान्ड पहले से, राइट। हमारी आने वाली चैनल दोस्तों ओके फिल्म से चौथी, हमारा ओके सिनेमाज नाम से दोस्तों मूवी का काम था, सॉरी थिएटर्स का काम था, जो अभी इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। अभी 20-25 हमारे पास हालांकि है, पर हम वाइंड अप करने का कगार पे इसको हैं। आज फन वाली नाम से हमारा वाटर पार्क है काठमांडू में, दृष्टि नाम से होटल की इंडस्ट्री में है, हमारे पास जिम के चेन्स हैं, हमारे पास रेस्टोरेंट के चेन्स हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी कई सारी फील्ड में एक्टिव है, काफ़ी बड़ी है। हम जिस डिवीजन में काम करते हैं दोस्तों उसका नाम है ओके लाइफ केयर, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता हूं। मैं आपके लिए प्लान दिखाने जा रहा हूं आगे, राइट। प्रोफाइल की बात करूं कौन है इस बिजनेस के पीछे, तो 2 लोग, मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल, TT की नौकरी करते थे आज के 20 साल पहले, TT की नौकरी से बिजनेस की फील्ड में आए दोस्तों। सारा एम्पायर जोगिंदर सर ने अपने बलबूते बिना 1 रुपया बैंक से लोन लिए तैयार किया है दोस्तों। एक बात तो मानना पड़ेगा, यदि इकलौता आदमी इतनी सारी चीज़ें अकेले संभालता होगा तो उसके ब्रेन में कम से कम बिजनेस की स्ट्रेटजी, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति पक्का होगा, हम आप जैसे तो बेटर होगा। एक तो बिजनेस ब्रेन होगा, नंबर दो मैनेजमेंट संभालने की क्षमता होगी, नहीं इतनी चीज़ें एक साथ संभालना मुश्किल है। इसलिए मैंने कंपनी चूज की थी कि सक्सेसफुल 20 साल का कैरियर था एक व्यक्ति इसके पार्टनर का, और नंबर दो जो हम इस कंपनी के CEO भी हैं मिस्टर दिनेश कुमार सारा, मैं इनका डाई हार्ड फैन हूँ दोस्त। 19 साल के एज से, आप यहाँ भी ध्यान दें, मैं इसको हाईलाइट करूँ, 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव। जब ये 19 साल के थे तो नेटवर्क मार्केटिंग करियर में आए, नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे। और बताऊँ आपको कि एक सफारी और एक सोनाटा गोडाज के 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग से कैश डाउन परचेज किया था, और 25,000 लोग के सेमिनार में उसको सेलिब्रेट किया था, 18 साल का लड़का। दोस्तों ह्यूज एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग की, सक्सेसफुल 20 साल का करियर, बहुत ही शानदार ट्रेनर और स्ट्रेटजी मेकर तो इतने जबरदस्त था कि पूरे मेरे इंटायर लाइफ में स्ट्रेटजी मेकर इतने अच्छे मुझे आज तक कभी नजर नहीं आए। ह्यूज। तो इस कंपनी में दोस्तों काम करने के लिए जो रीजन्स मेरे पास थे वो ये थे। सबसे पहला
यहाँ पे एक व्यक्ति पार्टनर है, एक व्यक्ति को 20 साल का बिजनेस और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, एक व्यक्ति को 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, और 3.5 साल के अंदर किसी भी कंपनी में अब तक ये नहीं हुआ है। ये हाईएस्ट इंडस्ट्री का, ये पहली कंपनी है कि 4.5 एकड़ से बड़ी अपनी हेड ऑफिस बना के तब जाके दोस्तों काम स्टार्ट किया था, और 2 एकड़ से 2.25 एकड़ से बड़ी हमारी इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 3.5 साल में बन चुकी है, 3 फ्लोर रेडी हो चुकी है किसी कंपनी के पास में 3.5 साल के अंदर में। 3.5 साल छोड़ते हैं, इंडिया में आज भी एक कंपनी का 5 एकड़ प्लस की ऑफिस और 2.25 एकड़ का प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नया नहीं है। वी आर द ओनली वन कंपनी, इसलिए आपको सोचना चाहिए। दोस्तों अब तक 5 वेयरहाउस हम खोल चुके हैं और 13 इसी साल हम और खोलने जा रहे हैं, अपनी खुद की वेयरहाउस हर स्टेट के अंदर, एक कंपनी ओन्ड। इसलिए आपको कंपनी डिसाइड करना चाहिए, कोई भी कंपनी 3.5 साल में यहां तक एक सिंगल वेयर हाउस नहीं खोल पाई थी, राइट। अब तक हम बात करें, तुम्हारे अपने पास सेल्फ रिसर्च प्रोडक्ट है, टाटा हम और लोग तरह तुलसी नोनी पर नहीं टिके हैं, हमारे पास कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट इस समय है 3.5 साल में जो हम चैलेंज करते हैं कि दुनिया भर में किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, इंडिया तो भूल जाओ। 6 साइंटिस्ट पेरोल पे, लगभग 27 साइंटिस्टों का दोस्तों हमारे पास पैनल है जिन्होंने ये रिसर्च किए हैं, यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास। आज 120 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं 3.5 साल में, और मजे की बात कि 50 से ज्यादा इस महीने में आने वाला, 20 साल आने वाले और हैं 5-6 महीने के अंदर अंदर, राइट। इसमें 2 लोग की इनकम इसमें 20 लाख से ऊपर है इस कंपनी के अंदर भी, इंक्लूडिंग मी, एक मैं हूँ, एक हमारे अपलाइन है, 20 लाख महीने से ऊपर है सिर्फ इतने, मुझे सिर्फ 21 महीने में 20 लाख पार कर चुका इस कंपनी के अंदर में, राइट। तो इनकम है, और 5 लोग की इनकम दोस्तों 10 लाख महीने से ऊपर है, 10 लोग की इनकम 5 लाख महीने से ऊपर है, और 70 लोग की इनकम इसमें 1 लाख महीने से ज्यादा है। हालांकि इस महीने आंकड़ा 80 पहुंच जाएगा, फिर से 80 लोग की इनकम इसमें 1 लाख महीने से ज्यादा है। आइए मैं बात कर रहा हूं कब, जून 2020 की बात कर रहा हूं अभी आपसे, राइट। तो ये आंकड़ा, इतनी ग्रोथ इस 3.5 साल में दोस्तों, इतनी बड़ी अचीवमेंट आज तक हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं थी, इकलौती कंपनी हम हैं। इसलिए आपको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल वाइज हम और अचीवमेंट वाइज हम बहुत स्ट्रांग हैं, राइट। अगला, पेपर वर्क रिकग्निशन सबके पास होता है, हमारे पास इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। यस, नाउ प्रोडक्ट, कि जब आप बिजनेस में आओगे तो कौन से प्रोडक्ट का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। हमने आंकड़ा निकाला कि नेटवर्क मार्केटिंग बोलते किसको हैं। दोस्तों पहले दिन से आज तक सिखाया गया कि कोई सामान कंपनी से बल्कि कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो कंज्यूमर जाके कहां से लेता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंज्यूमर जाके लेता है किसी दुकानदार से, कंज्यूमर जाके लेगा किसी दुकानदार से, दुकानदार कहां से लेगा जाके किसी होलसेलर से, होलसेलर कहां से जाके लेता है किसी स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट कहां से जाके लेता है किसी, मान लीजिए किसी भी सीएनएफ से, और सीएनएफ कहां से लेके जाता है, सीधे कंपनी से। बीच में एड्स होते हैं, यही जो बीच के मार्जिन होते हैं कि 1 रुपए का सामान बनेगा और पहुंचते पहुंचते कंज्यूमर पास वो 2 रुपए का हो जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, और प्लस कंपनी की अपनी मार्जिन अलग होती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि कंपनी से माल निकल के सीधे पहुंचता है कंज्यूमर के पास, यानी बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। तो जो हम जैसे लोग जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या की तरह, वो आते हैं टीवी पे, हम मुंह से बताते हैं अपने पड़ोसी को दोस्त को कि ये सामान अच्छा है बिजनेस मिलेगा, तो सारा पैसा निकाल के हम लोगों में बांट दिया जाता है, जो ऐश्वर्या अमिताभ को या बाकी लोग को जाता था, बीच के बिचौलियों को। दोस्तों यही नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई, जब कंपनी सामान सीधे कंज्यूमर के पास पहुंचेगी तो उसके दाम को सस्ता होना चाहिए था, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने आज तक लूट मचा रखी है, महंगा करके बेचते थे। यही रीजन है कि जिस देश में 100 करोड़ लोगों की इनकम दोस्तों 15,000 से कम है, उस देश के अंदर में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट आज तक हो ही नहीं पाया, आम आदमी कभी भी कनेक्ट ही नहीं हुआ। दोस्तों आंकड़े बोलते हैं कि 56 लाख लोग मात्र नेटवर्क मार्केटिंग के सामान रेगुलर लेते हैं, 132 करोड़ की आबादी में 56 लाख यानी 0.5% मुश्किल से लोग सामान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और 99.5% लोग कस्टमर कहाँ के, ट्रेडिशनल मार्केट के। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो लूटते नहीं है, उनको लगता है कि एमलम वाले लूटते हैं। और ये भी 56 लाख लोग कौन है, कंज्यूमर नहीं है, मेरे समझ से वही लोग यूज करते हैं जो नेटवर्किंग में काम करते हैं, क्योंकि काम अपना खुद को नहीं लेंगे तो पैसा नहीं आता है। तो रियल में आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में कंज्यूमर जुड़ा ही नहीं आम आदमी। तो यही हमने ब्रेक किया, हमने एक नया आइडियोलॉजी लेके आए कि जब कंपनी से कंज्यूमर है तो दाम या सेम होने चाहिए, बीच की मार्जिन बांटो या सस्ते होने चाहिए। एग्जांपल देते हैं, राइस ब्रैन ऑयल सबसे बढ़िया खाने का तेल माना जाता है, क्योंकि हार्ट की ब्लॉकेज से लेकर कई चीज़ों में फायदा करता है, ऐसा मोदी जी का यूट्यूब पर वीडियो भी है, आप जाना यूट्यूब नरेंद्र मोदी राइस ब्रैन ऑयल यूट्यूब पर डालना, आपको वीडियो मिलेगा। राइस ब्रैन ऑयल के अंदर दोस्तों एक पाई जाती है ओरिजिनल नाम की एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हार्ट की ब्लॉकेज से लेकर कई जगह काम करता है। आप देख सकते 1300 ओरिजिनल के साथ में पतंजलि बेचती है 125 लीटर तेल, 1000 ओरिजिनल के साथ में आज 130 लीटर बेचती है कौन, फार्चून। दोस्तों 127 लीटर मात्र हम बेचते हैं 1400 ओरिजिनल के साथ, यानी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी क्वालिटी सबसे सस्ते रेट में हिंदुस्तान में कोई भी हमारे आसपास नहीं है, वी आर द ओनली वन कंपनी, राइट। नंबर 2, आप उठा लीजिए हर घर में चाय पत्ती आती है,
टाटा टी हो चाहे हिंदुस्तान लीवर का ताजा हो, दोनों यूनिलीवर कितने का आता है 100 रुपये का 250 ग्राम, हम बेचते हैं 84 रुपये का 250 ग्राम, राइट। ट्रेडिशनल मार्केट सस्ता। आज विस्पर 85 रुपये का आता है 7 पीस, स्टेफ्री 90 रुपये का आता है 7 पीस, हम बेचते हैं 49 रुपये के 7 पीस, जबकि क्वालिटी से मच 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 बेटर। कैसे बेटर है? लगभग 60-70 में लिक्विड यानी डिस्चार्ज में ये लोग लीक होने शुरू हो जाएंगे। हमारा 150 में लिक्विड में पानी डाल दो सूख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, लीक नहीं होता। इन लोगों में लीकेज बचाने के लिए प्लास्टिक का लेयर नीचे लगा होता है कि लीकेज ना हो। हमारे यहाँ लेयर नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा हाई क्वालिटी वर्ड का सेबजेल यूज किया गया है कि 150 में लिक्विड सूख जाएगा, बिना प्लास्टिक के लीकेज नहीं होती। नतीजा ये रहा कि आपको ब्रीदिंग एयर पास होने की वजह से आपको ईचिंग या जो दिक्कतें आती हैं, रैसेज आते हैं, वो नहीं आते इसकी वजह से। यानी हम क्वालिटी देते हैं 25 रुपये का, लोग मार्केट में 25 रुपये का एक पैड बेचते हैं हमारी क्वालिटी का, हम 7 रुपये का एक पैड बेचते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता, वो भी अल्ट्रा थिन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, राइट। हम बात करें तो टूथपे बाबा रामदेव बेचते हैं 90 रुपये का 100 ग्राम, आज 52 रुपये का पेप्सोडेंट आता है दोस्तों, हम लोग बेचते हैं 45 रुपये का 100 ग्राम, वो भी नीम क्लोव कैल्शियम प्लस ओमेगा 3 का टूथपेस्ट है, जो इंडिया में किसी के पास नहीं है कैल्शियम के साथ, वी आर द ओनली वन कंपनी, राइट। इसके बारे में बात करें तो आज शैम्पू देखिए 150 का 450 ml, 550 का 650 ml, हम बेचते 199 का 500 ml, ऑलमोस्ट सेम रेट। लेकिन सेम रेट में वो लोग कोई बिजनेस नहीं देते आपको, लेकिन हम बिजनेस वैल्यू देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, कमीशन देंगे, इसलिए सेम रेट में भी हमसे आपको लेना चाहिए। साथ में लास्ट लेके चलता हूँ नीम साबुन, आज एंटी बैक्टीरियल साबुन नीम साबुन बाबा रामदेव बेचते हैं 100 ग्राम 25 रुपये का। नीम तुलसी पुदीना ये तीनों आप देखें, नीम तुलसी पुदीना तीन तीन चीज़ का एंटी बैक्टीरियल साबुन हम बेचते हैं सिर्फ 100 रुपये, हम भी 25 रुपये का, और 47 का आता है दोस्तों डेटॉल। आज मैं एक बात बोलूँ, साबुन की क्वालिटी नापी जाती है TFM से, टोटल फैटी मैटर की साबुन में कितना है। आप देख सकते हैं कि 78% TFM का साबुन 25 रुपये का 100 ग्राम हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी नहीं के पास नहीं है, इंक्लूडिंग नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे ट्रेडिशनल हो, वी आर द ओनली वन कंपनी, इसलिए आपको हमसे यूज करना चाहिए। तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था कि एक गरीब आदमी कॉमन मैन कैसे इस्तेमाल करता है। जो व्यक्ति 10,000-12,000 की इनकम पे हो दोस्त, उसके घर का बजट कितना होता है? ज्यादा ज्यादा 2-3 हज़ार महीने की। जो व्यक्ति 3,000 महीने का बजट होगा घर का, वो कभी जिंदगी में आपको लगता है कि 1 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदता है, कभी 250 ग्राम चाय पत्ती लेता नहीं, कभी आधा लीटर शैम्पू लेगा नहीं लेगा। विनो वेरी वेल, हमने उस कॉमन मैन को ध्यान में रखते हुए 100 रुपये का हमने 10 रुपये की पाउच में हमने वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया, 10 रुपये की पाउच में दोस्तों हमने चाय पत्ती लॉन्च की, हमने शैम्पू कंडीशनर हैंड वॉश तक पाउच के दोस्तों हमने अनाउंस कर दिया, क्योंकि विनो वेरी वेल कि जब तक एक कॉमन मैन को फील ना आए कि यस मैं 20 कंपनी सामान इस्तेमाल करता हूं, तब तक वो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ेगा ही नहीं। तो हमने उसके हिसाब से काम किया। कैसे? मान लेते हैं घर में दोस्तों चाय पत्ती, साबुन, सैनिटरी पैड, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, राइस ब्रैन ऑयल, और साथ में कैल्शियम एक सप्लीमेंट। कैल्शियम क्यों? कि बुड्ढों को, जो बुजुर्ग हैं, जो एजेड हैं, जो अधेड़ हैं, जो यंग एज हैं, जो बच्चे हैं, सबको लेना होता है कैल्शियम, राइट। इतनी चीजें किसी घर में देनी हो तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कितना लग जाएगा खर्चा, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट में कितना खर्चा आ जाएगा, और ओके लाइफ में कितना खर्चा आएगा वो देखते हैं। तो हमने आंकड़ा निकाला कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में दोस्तों 1900 रुपये का खर्चा आ जाता है यही सामान लेने में। वही सामान आप ट्रेडिशनल मार्केट से ले लो 1100 मिल जाएगा, वही सामान आप हमसे लो 650 का आपको देते हैं। यदि मैं कंक्लूजन निकालूं तो हमसे 46% महंगा सामान मिलता है ट्रेडिशनल मार्केट में, और हमसे 153% यानी 150% तक महंगा दोस्तों मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां। तो हमारा किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कंपेयर नहीं है, हमारा कंपेयर बाबा रामदेव से, डाबर से, हिमालया से, पतंजलि से, यूनिलीवर से, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से है, ना कि किसी एमएलएम से। आप किसी एमएलएम से बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि आपका कंपटीशन मुझसे है, तो हमसे नहीं है। आप 25 रुपये का 15 रुपये का पैड बेचते हो, हम 7 रुपये का पैड बेचते हैं, कंपटीशन कहाँ दिखता है आपको, राइट। आप 35 साबुन बेचोगे 76% TFM का, हम 25 रुपये का बेचते हैं 78% TFM का, कंपटीशन कहाँ है सर आपसे। आप 200 का तेल बेचोगे, हम 125 का तेल बेचेंगे, तो हमारा कंपटीशन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी से दोस्त नहीं है, हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से है। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि 99.5% लोग कस्टमर है ट्रेडिशनल के, हमें ट्रेडिशनल के यदि 10% उठा पाए तो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी हम बन जाएंगे, एशिया की, हमारा वही फोकस है। तो जब कोई आपको ये बोलता है कि आप लोग सामान बहुत सस्ते बेचते हो, तो उनसे बेचना दोस्त हम सस्ते नहीं बेचते, हम ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर बेचते हैं। एक्चुअली आप हमसे महंगे बेचते हो इसलिए हमारा सस्ता लगता है, हम सस्ते नहीं बेचते, हम इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल मार्केट बेचते हैं, रियल में आप महंगा बेचते हो। तो हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से है, ना कि एमएलएम से, दिमाग में बैठा लेना आप लोग। इसीलिए हमने एक ही दिन के अंदर में 24 दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, 24 प्रोडक्ट जो कि बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय वाले, आयुर्वेदा बेस, कि आप देख सकते हैं 60 की पैकिंग का प्रोडक्ट कितने का, सिर्फ 159 का। शिलाजीत केसर आप लेने जाए प्रोडक्ट का आता है मेडिकल स्टोर पे डाबर हिमालय का दोस्तों 400 रुपये तक की 60 गोली आती है, हम बेचते हैं 159 रुपये की 60 गोली। सोचो कंपेयर कहाँ है। तो हमारा कंपेयर ट्रेडिशनल मार्केट से, ना कि एमएलएम से, मैं रिपीट करूंगा, भाई साहब बंद करिए इसको। तो हमारा कंपेयर
ट्रेडिशनल मार्केट से, मैं रिपीट करूंगा फिर से, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग से। अब सवाल फिर एक पैदा होता है कि आप बोलते तब भी मैं अपनी कंपनी करूंगा, बोलूंगा आप तब भी अपनी कंपनी करो दोस्त, आपकी कंपनी में आपकी इनकम गिरेगी, मेरा ओपन चैलेंज है। आप समझना, ध्यान लगा कि आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो। मान लो कंपनी में आप क्राउन रैंक पे हो, आपके 2 लाख की इनकम आ रही है, लेकिन आपकी इनकम क्यों आ रही है? आपको मैं प्लान दिया, आप नहीं सुने, भले प्लान मेरा बेटर हो, आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तो यही करूंगा, वेरी गुड जी, आपका प्यार मोहब्बत है, लेकिन आपकी इनकम किसकी वजह से आती है? आपके डायमंड या आपके स्टार की वजह से। आपके डायमंड स्टार को मैं प्लान देने जाऊंगा, वो टूट जाएगा। चलो वो भी नहीं टूटेगा, आपने ट्रेनिंग बहुत चाहिए, आप ढक्कन बंद कर रखा, वो सुनी नहीं रहा ढक्कन अपना खोल के, कोई बात नहीं। उस स्टार का इनकम या गोल्ड का इनकम या डायमंड का इनकम दोस्त किसकी वजह से आती है? एक कंज्यूमर जो सामान इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन इज दैट, जिस दिन आपके कंज्यूमर के पास पहुंचेगा हमारा सामान, आप बोलोगे ओरिजिनल खाओ ओरिजिनल खाओ ओरिजिनल खाओ, राइस ब्रान ऑयल अच्छा होता है, लेकिन 200 का बेचोगे, हम बेच देंगे 125 का। सर उस दिन वो कंज्यूमर हमारा होगा, क्योंकि कंज्यूमर क्वालिटी पैकेजिंग और प्राइस देखता है, ना कि कंपनी का नाम देखता है। तो जिस दिन 200 के तेल में और 125 के तेल में कंपटीशन होगा, 125 का तेल जीत जाएगा, आपका कंज्यूमर हमारा होगा। जिस दिन 25 रुपए के पैड में और 7 रुपए के पैड में अंतर होगा, 25 वाला नहीं 7 वाला जीत जाएगा, कंज्यूमर हमारा होगा। जिस दिन 35 के साबुन में और उससे अच्छी क्वालिटी के साबुन 25 में कंपटीशन होगा, 25 का जीत जाएगा आपका, 35 का हार जाएगा। और जब वो हारेगा दोस्त, तो कंज्यूमर हमारा होगा और जिसका कंज्यूमर उसका बिजनेस। तो दोस्त आज आपकी टीम आप जिहादी बना के रखे हुए नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन जब कंज्यूमर टूटेगा ना, तो स्टार गोल्ड की इनकम टूटेगी, वो टूटेगा तो आप टूटोगे। यदि आप विजनरी आदमी हो, तो आज के 2 साल 6 महीने 8 महीने बाद का आपको आज देखना पड़ेगा। आप तब तक कैसा कमा रहे हो जब तक आपके क्षेत्र में हमारी कंपनी का काम बड़ा नहीं है। आज नहीं कल काम बड़ा होगा, क्योंकि हर बच्चा बड़ा होता है, ध्यान देना, और हर बड़ा बुजुर्ग होता है, ये भी ध्यान देना। तो जब एक कंपनी बुजुर्ग होती है, तो एक कंपनी बड़ा भी बड़ी भी होती है सेम टाइम में। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन आपके कंज्यूमर के पास हमारे लोग पहुंचे हैं, ओके लाइफ के लोग पहुंचे डिस्ट्रीब्यूटर, उस दिन वो कंज्यूमर ओके लाइफ का होगा। जब ओके लाइफ का होगा, तो दोस्त आपकी इनकम घटेगी, ध्यान देना, हमेशा हमेशा ध्यान देना। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूं कि विजनरी बनो और 2 साल 3 साल बाद का सोच के डिसीजन लो, ये वक्त है आपको डिसीजन लेने का, राइट। तो ये तो हो गई हमारी वो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की आपसे जो हमारे एफएमसीजी के थे। नाउ हम बात करते हैं अपने उन प्रोडक्ट के बारे में, राइट। हम बात करते हैं उन प्रोडक्ट के बारे में। मेरी आवाज आ रही है क्या? कई लोग बोल रहे हैं साउंड सही नहीं आ रही है। कोई व्यक्ति आ रही है सर? अच्छे से आ रही है। ओके थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा बढ़ा भी दे रहा हूँ इसे, आई होप मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ, अब जो आना होगा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स लेट्स सी। और दूसरा प्रोडक्ट जब सप्लीमेंट की हम बात करते हैं, तो सप्लीमेंट पे एक समस्या आती है। सप्लीमेंट पे क्या समस्या आती है? लोग बोलते हैं क्वालिटी क्वालिटी है, इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ की कंपनी है, ताइवान कंपनी है, कोरिया कंपनी है, मलेशिया इंडिया कंपनी है। हम कहे छोड़ यार, कहीं कंपनी हो। हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले हमारे साइंटिस्ट टीम ने दोस्तों बकायदे अध्ययन किया, एक स्टडी की कि मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, आखिरकार कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचती है और किस कंडीशन किस डिजीज के लिए। तो हमने देखा दोस्तों मार्केट में कहानी चल रही है, उस कहानी को बोलते हैं कम्बो कहानी। कम्बो कहानी क्या होता है? किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाके बोलो कि मुझे ज्वाइंट पेन की समस्या, मेरे घर में किसी को एक सामान दे दो, तो पहले वो आपको देगा क्या? ग्लूकोजामाइन, बोलेगा भाई कार्टिलेज बिल्ड करेगा, फिर आपको पकड़ाएगा कैल्शियम, फिर आपको पकड़ाएगा ओमेगा, फिर आपको देगा कोलेजन पेप्टाइड मालूम होगा तो, उसके बाद उसको पता उसके कंपनी में नोनी होगा तो नोनी देगा, तुलसी देगा, एलोवेरा देगा, कुछ भी हो 2-4 चिपकाएगा, जब तक आपको बजट का अलाउ करेगा वो चिपकाता जाएगा। यानी एक व्यक्ति को सप्लीमेंट देने के बजाय एक ही को 5-5, 6-6 गोलियां खिलाई जा रही थी। और यदि खर्चे पे जाएं तो लगभग 3,000 से लेकर 6,000 तक खर्चे चले जाते हैं इतने सामान जोड़ के। तो हमारे साइंटिस्टों ने बोला कि भैया एक बात आओ, जब देना एक ही इंसान को था तो ये अलग अलग क्यों डाल रखे, क्यों ना कम्बो एक ही में डाल दिया जाए सारे को। अब एक ही में डालने के लिए उनके पास साइंटिस्ट होने चाहिए थे, उनके पास रिसर्च लैब्स होने चाहिए थे, और साथ में उनके पास 2 साल 2.5 साल 3 साल का वक्त भी होना चाहिए था, जो किसी के पास था नहीं इंडिया में। बट हमारी कंपनी ने डे वन से इस पे काम किया था। नतीजा दोस्तों हमने एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, ग्लूकोजामाइन ओमेगा कैल्शियम कोलाजन कुर्कुमिन कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट प्रोबायोटिक्स, साथ में कॉन्डियम सल्फेट से लेके एमएसएम से लेके और कई बोसोलिया सेटा कई चीज़ें हमने ऐड किया इसके अंदर में। ये सारी चीज़ें मिला के हमने एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, सिर्फ 1200 रुपये का, ले लो हमसे, जहाँ कम हो यहाँ खत्म कहानी, राइट। हाँ वो बोलते हैं कि मान लो किसी को ब्रेन में दिक्कत हो, यानी किसी को डिप्रेशन हो, तनाव हो, नींद नहीं आती, लकवा मार दिया हो, न्यूरो कोई समस्या हो, या उसको माइग्रेन की शिकायत हो, हर में सर में दर्द हो, फोकस नहीं कर पाता काम पे, नींद नहीं आती ठीक से, तो लोग बोलते हैं एमवे बोलती है कि काम करो जिनसिंग ले लो, जिंगो बिलवा ले लो, 3,000 का आता है सर ये गोली डब्बा, 3,000 रुपये का, बस यही दो चीज़ जिनसिंग जिंगो बिलवा मिला के। एस्ट्राजेंथिन बोलती है पुगोस ले लो, प्रोयंग बोलती थी एस्ट्राजेंथिन ले लो, 2,223 रुपये की, 2,223 का 2 mg सिर्फ एस्ट्राजेंथिन आता है 60 गोली, 2 mg सिर्फ।
हमारा दो MG मिला हुआ हमारे इसी ब्रेन फ्यूल के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट खाने जा रहा हूँ। DHA हर समय मिला होता है ब्रेन का, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और सुगंधा ले लो बाबा रामदेव डबर बोलते हैं ब्रेन के लिए। हमने इन सभी चीज़ों को इकट्ठे कर दिया, और जब इकट्ठे किया तो प्राइस 3,000 से लेकर 9,000 तक पहुंच जा रही थी दोस्त। हमने इसको तैयार किया एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर में, 999 ओनली हमारा प्राइस है ब्रेन फ्यूल। किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई चैलेंज हो, डिसऑर्डर हो या वीकनेस हो, आप इसको यूज करो। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें, फोलिक एसिड से लेके आप देख सकते हैं इसमें, मतलब बहुत चीज़ यार, कैटनाइन से लेके मतलब बहुत चीज़ें, लूटीन प्रोबायोटिक्स तक इसमें एडेड है, जो ब्रेन के लिए चाहिए सब कुछ सिंगल प्रोडक्ट के अंदर हमने ऐड कर दिया। हमने कहा कम्बो क्यों, जब देना एक को तो एक को खिलाओ। तो हमने कहा भैया ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, मान लो कोई बोलता है हार्ट में दिक्कत है तो हार्ट के लिए हमने एक लॉन्च किया प्रोडक्ट हार्ट फ्यूल, लोगों का खर्चा जाएगा 9,000 तक चला जाता है, हम लोग दोस्तों सिर्फ देते हैं आपको यहाँ पे 2,300 रुपये का। तो हमने क्या किया, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनमें से हमारा एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है, वो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी के लिए। आज कोरोना के टाइम में दोस्तों हर व्यक्ति बोलता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन सवाल है कैसे स्ट्रांग होगा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कहीं ना कहीं आपको नॉलेज तो होगा कैसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो सिंपल जरा आप कैलकुलेशन करके देखते हैं यहाँ पे, हमने सिंपल ये बोला कि जब इम्यूनिटी की बात दोस्त आती है तो एक समस्या आती है साथ में, है ना। जब इम्यूनिटी की बात आती है समस्या आती है साथ में, वो समस्या क्या होती है, हमें बोलते हैं कि आप कंपनी कोई भी दुनिया का कर लो, लेकिन जब इम्यूनिटी की बात आती है तो एक कंपनी बोलती है कि मैंगो स्टीन ले लो, बहुत एक्सपेंसिव आता है मैंगो स्टीन। कोई कुछ लोग बोलते हैं सिवकथॉन ले लो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मोरिंगा ले लो, सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज में है। कुछ लोग बोलते हैं नोनी ले लो 300 रुपये काम करता है, कोई बोलता है जिनसेंग ले लो इम्यूनिटी में काम करेगा। इन प्रोडक्ट के यदि दाम दोस्तों जोड़ा जाए ना तो मार्केट में 4,000 से लेकर 8,000 खर्चा है, और दोस्त हमने कितने में लॉन्च किया इन प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देखिए। तो आप आंकड़ा देखिए, मतलब 699 में सिर्फ ये सारी चीजें मिला के मिल्क थिसल लीवर के लिए आता है, अश्वगंधा जिनसिंग ब्रेन के लिए आता है, मुरिंगा और स्पायलूना आपके न्यूट्रिशन वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, आप वहां देखो सिवक थॉन से लेकर नोनी तक ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। वात कप और पित्त ये तीनों बैलेंस आयुर्वेदा के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। उसी तरह से हमने अंग्रेजी में उसका नाम रखा है इम्यूनिटी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेशन। ये तीन चीज़ यदि किसी का कंट्रोल हो जाए तो कुछ हो ही नहीं सकता कभी लाइफ में, और उसी के लिए हमारे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा मार्केट में है। और हम चैलेंज करते हैं कि आपके घर में एक भी सदस्य हो तो दोस्त कुछ लो ना लो एक सिंगल प्रोडक्ट जरूर अपने घर में इस्तेमाल करो। किसी को कुछ भी चैलेंज हो आई थी दोस्त को पहले तो इतना सस्ता है कि 700 रुपये में आपको मिल जाता है बड़ी बात, इतनी चीज़ें मिला करके कॉम्बिनेशन। इकलौती हम कंपनी है, इसमें ध्यान देंगे कि आप इस मोरिंगा एक्सट्रैक्ट स्पायलूना से लेके मिल्क थिसल से लेके जिंको बिलवा से लेके जिनसिंग सब कुछ तुलसी वुलसी सब कुछ इंक्लूडेड, पाइपरिन तक इसमें इंक्लूडेड है। तो कोई सर हमारा कॉम्बिनेशन नहीं, वी आर द ओनली वन कंपनी जिन्होंने कम्बो वर्क को खत्म करके हमने कॉम्बिनेशन पे काम किया, और कॉम्बिनेशन के ऊपर में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वी आर द ओनली वन कंपनी। सो यदि रेंज की बात किया जाए दोस्तों तो आज हमारे पास में हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड, खेती बाड़ी, किचन केयर टारगेटेड, आयुर्वेदा से लेके सारे प्रोडक्ट हैं। हालांकि ये खेती बाड़ी वाले इस समय डिसकंटिन्यू है, लेकिन अगले 3 महीने में रिलॉन्च होने वाली फिर से, क्योंकि उसको इम्प्रूव करके कंपनी लॉन्च करने वाली है, राइट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, किस पे आपको काम करना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारे जो प्राइजेस हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट है उससे सस्ते हैं, इसलिए कंपटीशन नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट हमारे और सप्लीमेंट्स हैं वो दुनिया भर में कहीं आपको नहीं मिलते, क्योंकि उसकी फॉर्मुलेशन हमारी टीम ने किया था, दैट्स वाई। फाइनली बचा एक काम, क्या काम बच गया फिर, कि आखिरकार ये कंपनी के अंदर में पैसा कैसे आता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करने जाओगे दो टाइप के प्लान मार्केट में चल रहे हैं, बाइनरी या जनरेशन, राइट। जब हम बाइनरी प्लान की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, दो लेग के प्लान होंगे, एक लेफ्ट एक राइट पे एक पेयर इनकम चली जाती है, और पेयर मैच नहीं होती दोस्तों तो बिजनेस हो जाता है कैरी फॉरवर्ड, जिससे इनकम थोड़ी फास्ट आती है बाइनरी प्लानों में। सेम टाइम में जनरेशन प्लान की बात किया जाए तो मल्टीपल लेग के प्लान होंगे, ना तो कोई पेयर इनकम, यहाँ पे पेयर इनकम के बजाय उसी को बोला जाता है डिफरेंस कमीशन। मैं उसी को क्यों बोलता हूँ, दो लेग के प्लान हो चाहे मल्टीपल लेग का प्लान हो, एक पावर बन जाता है और वीकर से डिफरेंस आना शुरू होता है हमेशा। जब वीकर से डिफरेंस, तो वीकर से जनरेशन वाले डिफरेंस बोलते हैं, वीकर से वहां वाले को पावर, वहां पे वाले को पेयर बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है, बस कहने का तरीके डिफरेंट, घुमा के थोड़ा बोला जाता है और कोई बात नहीं। तो यहां पे ना पेयर इनकम आती है, यहां पे ना कोई कैरी फॉरवर्ड दिया जाता है जनरेशन प्लान के अंदर में, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पे इनकम थोड़ी सी स्लो हो जाती है कंपेयर टू जनरेशन प्लान। लेकिन हमने आंकड़े निकाले कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 25 साल का जो इंडिया का अनुभव है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में जनरेशन प्लान क्या है कि स्टेबल प्लान मानी जाती है, जनरेशन प्लान भागी नहीं, और कोई भी प्रकार का जो बाइनरी प्लान है ये कभी टिका नहीं। दोनों प्लान में अंतर था कि बाइनरी वाले बिना 3-4 साल में खुराफात किए चलते ही नहीं है, हालांकि आजकल जनरेशन वाले भी मैं देख रहा हूँ खुराफात करने शुरू कर दिए, प्लान में चेंज करना, बार बार चेंज करना, अपग्रेड करना, अपग्रेड करने के नाम पे। लेकिन क्योंकि आप बाइनरी प्लान टिकी नहीं और जनरेशन भागी नहीं, हमने इसलिए दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन प्लान लॉन्च किया, बोलते हैं इसको हाइब्रिड प्लान।
हमारे प्लान में हम बोलते हैं कि लेग तो आपका सर दो ही चलेगा, लेग दो क्यों चलेगा, लेग क्यों दो चलेगा, कि हमारा कहना था कि दो लेग होगा तो स्पीड मिलेगी बाइंडिंग की तरह, यानी कि आपको स्पीड इनकम चाहिए तो दो लेग चलानी पड़ेगी। तो हमने हाइब्रिड क्यों बनाया कि मतलब हमारा लेग तो चलेगा दो ही, जिससे कि दो ही टीम पे आपको काम करना हो, दो बच्चों का पालन पोषण हो, ना कि 15-16 बच्चे पैदा करना पड़े आपको अपने अपनी इनकम संभालने के लिए, राइट। दो के बाद तीसरा आपको गोद देना होगा, नीचे वाले को दे दो चाहे आप इस वाले को दे दो, तो दो के बाद जितने आएंगे बस उन्हीं दो को सपोर्ट करते रहना है आपको। तो हम लोग प्लान तो दो लेग का होगा दोस्त, लेकिन ना तो हम कोई पेयर इनकम देंगे जैसे जनरेशन में नहीं आता, और ना ही किसी बिजनेस को हम कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे जैसे जनरेशन में नहीं होता। तो हमारा दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा तरीका है वो कंप्लीट तरीका काम करता है जनरेशन जैसे, लेकिन चलते हम कितने लेग पे, दो लेग पे। लेट्स सी कैसे काम करता है, सिंपल तरीका है दोस्तों। काम शुरू करेंगे समला के सात प्रकार से, आपको ओके लाइफ केयर के अंदर इनकम आती है सात प्रकार से, ध्यान देना। साथ में जो सबसे पहली इनकम, इसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, यानी एमआरपी डीपी का अंतर। इसको ध्यान देना, इसको हम कैसे करते हैं कि हमने ये बोला कि एमआरपी डीपी का अंतर की बात किया जाए, तो हमने बोला कि जैसे एमआरपी डीपी का अंतर, मैं रिपीट करूंगा, एमआरपी डीपी का अंतर हमने जब ध्यान दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में एमआरपी और डीपी के अंतर को हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, आरपी, रिटेल आरएफ, रिटेल प्रॉफिट। तब हमने देखा जितनी भी इंडिया के टॉप 10 कंपनियां हैं वो लोग क्या करती हैं, 12 लेकर के 18% तक एवरेज डिस्काउंट देती हैं, जो एवरेज उनका निकालेंगे तो आएगा 15%। यानी इंडिया की टॉप 10 कंपनियां दोस्तों एमआरपी डीपी का अंतर जो देती है वो देती है एवरेज 15%। फिर वो लोग एक कहानी बनाते हैं, कहानी क्या बनाते हैं कि भैया आप एक काम करो, बिजनेस लाते रहो, जब आप डायरेक्टर बन जाओगे, 2-3 लाख का बिजनेस हो जाएगा तो आपको 20 या 22% का खुद की खरीदारी पे और कैशबैक दे दूंगा। कैशबैक, ध्यान दीजिएगा, आपकी खुद की खरीदारी पे कैशबैक आ जाएगा। जब खुद की खरीदारी का कैशबैक आ जाएगा, लेकिन एक महीने बाद आएगा, तो सवाल ये होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, मैं रिपीट करूंगा, 100 रुपये आपने सामान लिया, उसकी डीपी उन्होंने कर दिया, चलो 85 रुपये का आपको पकड़ा दिया क्योंकि उसको 15% डिस्काउंट दे दिया था, साथ में बोलते हैं कि 5 रुपये और आपको वापस करूंगा एक महीने बाद, आप वो भी 5 रुपये कब डायरेक्टर हो गए तब, क्योंकि बीवी का 20 होता है तो टर्नओवर का 10 ही आता है, तो ऐसे केस में आपको 5 रुपये और आएगा, सब मिला के सामान पड़ गया 80 रुपये का, लेकिन एक महीने घुमा के 3 लाख डायरेक्टर पहुंचा के तब हमने बोला आप एक काम करो, 100 रुपये के एमआरपी 70 का ले जाओ सीधे सीधे, डे वन से आपको कितना डिस्काउंट, अप टू 40% का डिस्काउंट। हमारी कंपनी क्लियर है, जब देना ही है उसको कैशबैक तो काहे उन उल्लू बना रहे हो भाई सब, घुमा घुमा के दे रहे हो, डे वन से पकड़ाओ ना यार। हमारे रेट ट्रेडिशनल मार्केट रेट में दोस्तों क्यों चले जाते हैं, सिर्फ एक वजह से चले जाते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारा प्रोडक्ट शुरू होता है, मैं रिपीट करूंगा, जिस दिन हमारा प्रोडक्ट शुरू होता है सेम डे पे आपको हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। हम बोलते जब देना ही है तो ये 2%, 6%, 10%, 15% का आंकड़ा नहीं लगाना। नतीजा किसी कंपनी का जो पहली इनकम होती है परफॉर्मेंस बोनस के नाम से, उस इनकम को यहीं खत्म कर देते हैं कि आप उसको घुमा फिरा के एक महीने बाद दो के उससे ज्यादा हम पहले दिन से देते हैं। इसके बाद हमारे ऑफर्स अलग होते हैं, बता दूं आपको, उसको लेंगे तो 60-65 तक चला जाता है डिस्काउंट लिए। तो दोस्तों ये हमारी पहली इनकम होगी। ध्यान दीजिए, जब कोई कहता है कि आपकी कंपनी में सेल्फ परचेजिंग पे क्या मिलता है, मैं बोलता हूँ भाई साहब आप क्या क्या मिलता है, तो बोलते हैं मेरे यहाँ तो साबुन खरीद लूँ तो मुझे 3-3.5 रुपये आ जाता है। मैं बोलता हूँ एक बात तो भाई साहब, 35 का साबुन मिला, मैंने तो क्या बोला कि 35 का साबुन मिला और आप डायरेक्टर थे 20% पे, तो इसका 17 रुपये होगा बिजनेस वैल्यू, 17 रुपये का 20% मिल जाएगा, कितना होगा 17 × 34, 3 रुपये 40 पैसे, तो 3 रुपये 40 पैसे आपको और मिल गया अलग से। साबुन कितने का, चलो मैं 31 कमा लेता हूँ आपको साबुन, 31 का पड़ गया, ये तो हुआ 31 का, तो नहीं 32 का पड़ेगा, चलो 32 साबुन पड़ गया। हमारे साबुन पहले दिन मिलती है 25 रुपये का, अभी स्कीम बाकी इसके ऊपर में, आप बताओ कंपटीशन है। तो भाई वो कैशबैक आपको उल्लू बनाया जा रहा है, इतना छोटा बात आप समझ नहीं पाते, इतना ढक्कन बंद कर दिया जाता है कि बेचारा कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता कि आखिर में वाकई में उसके लोग उसको उल्लू बना के सामान बेच रहे हैं। ताज्जुब तो ये होती है, लोगों को ये पता है कि यही सामान मार्केट में सस्ते मिलते हैं तब भी लोग महंगे बेच रहे हैं, क्योंकि उनको अपना पैसा चाहिए, अपना कैरियर देखना पड़ता है। दोस्त ईमानदार बनो, नेटवर्क मार्केटिंग में अब वो दौर गया किसी को लूट के आप पैसा बनाओ, ये नया उदय, नया एक युग का शुरुआत थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में। समझ जाओगे अरबपति बनोगे करोड़पति नहीं, नहीं समझ पाओगे लकीर के फकीर बनोगे, बोलोगे अरे यार मैं तो जबरदस्ती अपनी कंपनी के चक्कर में बर्बाद हो गया, मोटिवेट होकर काम कर रहा था। मोटिवेट मत हो, कैलकुलेटिव बनो। पहला इनकम ये था दोस्तों। अगला जो हमारा इनकम आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्टिव बोनस। अब आगे दोस्तों जो भी इनकम आएगी बिजनेस वैल्यू पे आएगी। अब सवाल है कि बिजनेस वैल्यू क्या होती है, लेट्स सी दोस्तों। किसी भी कंपनी में पहली होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट यानी कि जितने में सामान मैन्युफैक्चरिंग कास्ट MFC, जितने में सामान बना उसको पहले निकाल दिया जाता है उसके डीपी से। जब डीपी माइनस करेंगे MFC, उसके बाद जो पैसा बच गया इसी को हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। जैसे मान लो 100 रुपये कोई सामान बचा बना
और कंपनी बोलती है लगभग 50 में मेरा इसमें खर्चा है बनाने में, तो 100 में 50 निकाल दो, बचा 50, 50 को बोलते हैं बीवी। बीवी मतलब होता है बीवी यानी बिजनेस वैल्यू, और पैसा इसी बिजनेस वैल्यू में बांटा जाता है, ना कि 100 रुपये बटेगा। यानी 100 रुपये का सामान कोई ले गया आपके टीम में तो पैसा 100 पे नहीं आता, उस प्रोडक्ट में जो बिजनेस वैल्यू होगा उस पे आएगा। बिजनेस वैल्यू कितना होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, FMCG बहुत सस्ते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट के रेट में है, और ट्रेडिशनल वाले कोई बीवी नहीं देते, लेकिन हम बीवी देते हैं, तो हमारा उस पे बिजनेस वैल्यू आएगा 25 से लेकर 35, लेकिन सप्लीमेंट पे आ जाता है 40 से लेकर के 60% तक बिजनेस वैल्यू हमारा आता है, यानी कि 25 से लेकर 60% तक बिजनेस वैल्यू हमारे यहाँ होते हैं। एवरेज की बात करूँ तो एवरेज दोस्तों 45% की हमारी बिजनेस वैल्यू मोटी मोटा यहाँ पे रहती है। लेट्स सी कैसे काम करते हैं। 45% बाइंग बीवी, तो अब मैं प्लान दिखाऊंगा बिजनेस वैल्यू होगा टर्नओवर पे नहीं, आप इसको डबल करते जाना ऑलमोस्ट एवरेज निकल जाएगा आपको। दो लेग का प्लान है, पहला तो इनकम आपने समझ लिया दोस्तों, तो पूरा प्लान आपको समझ में आ जाएगा। पहला तो प्लान ध्यान से कि कैसे, इनकम नंबर एक, कंपनी बोलती है दो आपकी टीम का प्लान है, 2500 आपकी टीम ए में गया बिजनेस और 2500 टीम बी में। तो जैसे ही 2500 की आपकी दोस्त टीम बनेगी, मैं रिपीट करूंगा, 2500 आपकी टीम ए में गया और 2500 कितना गया टीम बी में, तो जैसे ये 2500 की मैचिंग होगी आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक एक्टिव बोनस पॉइंट। एक पेयर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा एक एक्टिव बोनस पॉइंट। और कंपनी बोलती है कि मैं अपने टर्नओवर का निकालूंगा 30%, और वो टर्नओवर का 30% निकाल के उन लोगों में बांट दूंगा जिसके पास एक्टिव बोनस पॉइंट होगा। ध्यान देना, पॉइंट किसके पास होगा, जिसका कम से कम 2500 बिजनेस वैल्यू मैच हुआ हो। यानी आप लाए दो को, दो लाए दो को, याद है मैंने बोला था कि आपने 20 से 25 लोगों का दुकान चेंज करा दो, तो वो जो आपने चेंज कराया उन्होंने भी चेंज कराया, उन्होंने भी चेंज कराया, कोई किसी को चेंज कराया, वो पूरी टीम आपकी मानी जाती है। पूरे खरीदारी को जोड़ के 2500 बात कर रहा हूँ, ये क्या एक बार में जब साबुन ले लेके 2500 एक महीने के अंदर होना चाहिए। तो 2500 का जब दो टीम में बिजनेस होगा तो आपको मिलेगा एक एक पॉइंट, 5000 हो गया तो 2 पॉइंट, 7500 पे 3 पॉइंट, 10000 पे 4 पॉइंट, हर 2500 के मल्टीपल में एक एक पॉइंट आपको मिलता जाएगा। और कंपनी बोलती है कि मैं अपने टर्नओवर का निकालूंगा 30% और उन्हीं लोगों में बांटूंगा जिनके पास पॉइंट होता है दोस्त। और एक पॉइंट कीमत कितनी आती है, एक पॉइंट दोस्त कीमत की बात करो हम बताते हैं 250, लेकिन रियल बताऊं ये आता है आपके 300 के इर्द गिर्द, 300 से 300 के बीच में। कम क्यों बताते हैं, हमारा मानना है कि हम पहली ऐसी कंपनी भारत की बनना चाहते हैं कि हम जो बताएं उससे ज़्यादा आपकी इनकम आए। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बताते ज़्यादा है आता कम है, हम बोलते कम बताएंगे ज़्यादा आएगा, एक नया अगेन एक नई परंपरा शुरू की नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं ही बोलता हूं जब भी 2500 मैच करोगे तो आपको इतनी इनकम आएगी। इससे कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा कि जनरेशन प्लान में जो कंपनियां हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा आता है। आप एक बंदा बोला कि भाई मेरे यहाँ ज़्यादा आता है, कैसे, हम बोले मान लो आपका एक लेख का प्लान चाहे दो लेख का, लेकिन एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, मान लीजिए 100 लोग की ज्वाइनिंग हो गया आपके टीम में एक साइड में। देखो यदि आपका 16 लेख का प्लान होगा दोस्त तो एक लेख पावर होगी, 5-15 लोग छोटी, यानी एक लेख बड़ी होती है हर बिजनेस में। किसी का 5 लेख का प्लान तो एक बड़ी होगी, 4 छोटी होगी। किसी का 4 लेख बना हुआ है, किसी डायमंड बाई चांस तो एक बड़ा होगा, 3 छोटा होगा, लेकिन एक बड़ा जरूर होगा। तो मान लीजिए एक बड़े में 100 लोग थे, 100वां आदमी चला गया डायरेक्टर, तो सर 100 के 100 डायरेक्टर हो जाएंगे, बट पैसा किसी को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पैसा किसी को, क्योंकि जब तक वीकर में डिफरेंस न बने नहीं आएगा। अब मान लीजिए आप थे 12 पे, डाउनलाइन होगा 6 पे, तो आपको कितना आएगा 6%। डाउनलाइन पहुंच गया 18% पे, आप पहुंच जाओगे तब 12 पे, फिर कितना बचेगा 6%। डाउनलाइन पहुंच गए 20 पे, आप पहुंच गए 20 पे, कितना मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू जो बोलता है ना, वो क्या नाम है अपने सीरियल में कपिल शर्मा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी इनकम हो जाती है 0। आप देखना, यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी जनरेशन प्लान के अंदर दोस्त एवरेज 6% से ऊपर आपको डिफरेंस कमीशन नहीं बनती, और वो भी एक दिन 0 हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ध्यान दीजिए, यदि मैं इसकी वैल्यू 250 भी मानूँ तो सर वीकर साइड का 25% निकाल लो, सॉरी 10%, 2500 का 10% निकालोगे सर कितना होगा, 250। यानी कम से कम 10% आपको दोस्तों यहाँ पे डे वन से मिलना स्टार्ट होता ही होता है। हालांकि मैं 250 आएगा तब 10% होगा, आता है कितना 300 के इर्द गिर्द, तो 12 से लेकर 13% पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। ये पहली इनकम थी, 2500 पे 1 पॉइंट, 5000 पे 2 पॉइंट, 7500 पे 3 पॉइंट, 10000 पे 4 पॉइंट, 2 तो 50000 पे यदि आंकड़ा देखूँ एग्जाम्पल लेके तो आपको बनेगा 20 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट कीमत 250 तो इनकम हो गई 5000, यदि 1 पॉइंट कीमत में 300 मानूँ तो इनकम कितनी यहाँ पे आ जाती, 6000 आ जाएगी। ये हमारी पहली इनकम थी, हर 2500 पे 1 पॉइंट, 1 पॉइंट कीमत 250 से 300 के इर्द-गिर्द वैसे आती है, राइट। नेक्स्ट इनकम इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी को हिंदी में बोलते हैं लगातार, यानी 2500 को दोस्तों जो मैचिंग हो रही थी इसको आप लगातार 3 महीने मेंटेन कर दो। मैं रिपीट करूँ कितने महीने, 3 महीने मेंटेन कर दो। यदि 2500 दोस्तों लगातार आपने 3 महीने मेंटेन कर दी तो कंपनी ये बोलती है उसी 2500 पे एक्टिव बोनस तो आ ही रहा था कंपनी का टर्नओवर का 30%। अब कंपनी अपने टर्नओवर का निकालती है 10%,
और उन लोगों में बांट देती है जो लोग 2500 तीन महीने कर चुके हैं। और इस इनकम को बोला जाता है क्या, CBP यानी कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। सी से कंसिस्टेंसी, बी से बोनस और पी से पॉइंट। ये इनकम अगेन एक नया आ जाएगा। पॉइंट की वैल्यू से कितनी आती है दोस्तों, 120 के इर्द गिर्द। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो अभी तक, मैं रिपीट करूंगा, जो अभी तक 2500 पे आपको यहाँ पे, सॉरी 350 नहीं बोलूंगा इसको, मैं 250 ही लिखता हूँ, 250 आ रहा था, तीन महीने बाद ही उसमें आपको फिर से 120 पे की इनकम बढ़ जाएगी सेम बिजनेस के ऊपर में, क्योंकि ये शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से आपका इनकम कितना हो गया, 370। रियल में आती है दोस्त ये 440 के आसपास तक, यानी कि 370 सवा 400। अब आप निकालोगे 2500 का 15% प्लस, तो दोस्त 15% के ऊपर आपकी इनकम शुरू हो जाती है। और आप भी जानते हैं किसी भी डिफरेंस कमीशन में कभी जिंदगी में आपको 15% बनेगा ही नहीं, और हमारे यहाँ कम से कम 15% तो आपको आएगा ही आएगा। इसलिए बहुत बड़ी आपको दोस्तों ये इनकम आनी शुरू होती है, जो किसी भी कंपनी में अगेन इतनी बड़ी इनकम नहीं आती। यानी 12% पहले महीने से शुरू हो जाती है, 10 से 12%, और तीन महीने बाद ही कितनी हो जाती है बढ़ करके, 15% प्लस हो जाती है वीकर साइड का। यानी ये डिफरेंस आपको लाइफ टाइम आएगा, वहां पे डिफरेंस जीरो हो जाता है सेम रैंक पे आने पे, यहां का डिफरेंस जीरो नहीं होता, ये बड़ी बात है। आपको इनकम देखते हैं फिर से, यदि 50,000 की मैचिंग हो जाए, 2500 तीन महीने हो गया, उसके बाद 50 मैच हो तो क्या होगा सर, 20 पॉइंट तो ये बनेगा, क्योंकि हर 2500 पे एक, तो 50,000 पे 20 पॉइंट, तो दोस्त 20 पॉइंट आपको कंसिस्टेंसी बोनस भी बनेगा। इस हिसाब से 5,000 को 2400, यानी कि सेम बिजनेस पे तीन महीने बाद आपकी इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। और मैं इस टारगेट बोलता हूँ चिंदी चोरी वाला टारगेट, 2500 की मैचिंग पूरे महीने में करना है पूरे टीम से, यदि वो भी नहीं कर पाए तो आप बिजनेस में क्यों कर रहे हो। अरे यार 200 भी पर डे, 300 भी पर डे के एवरेज है सिर्फ, राइट दोस्तों। ये होगी नेक्स्ट इनकम। नाउ सुपर एक्टिव बोनस, आपको याद होगा यदि मैंने कहा था कि 2500 में बनता है एक पॉइंट, राइट, 2500 में कितना बनता था, एक पॉइंट। इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि 2500 मिला के होता है 5000 में एक पॉइंट। नाउ क्वेश्चन, 5000 में एक पॉइंट, और आपके टीम में 10 लोग ऐसे आ जाए जो एक पॉइंट मैच करें, तो दोस्तों आपकी बिजनेस कितनी चली जाएगी, 50,000। और यदि आपकी बिजनेस दोस्त 50,000 हो जाए एक महीने के अंदर, जैसे आपका ये महीना चल रहा है, अभी जून शुरू हुआ है, आज मैं 3 जून को आपसे बात कर रहा हूँ, इस पूरे जून के अंदर 50,000 मैच हो जाए, तो दोस्त कंपनी बोलती है हर 50,000 पे एक नई बोनस आएगी, उसका बोनस का नाम देखिए क्या है यहाँ पे, सुपर एक्टिव बोनस यानी SAB। कहीं हर 50,000 पे एक पॉइंट, 50,000 पे एक पॉइंट, 1,00,000 पे 2 पॉइंट, 1,50,000 पे 3, 2,50,000, हर 50 के मल्टीपल में एक पॉइंट। अब कंपनी बोलती है कि अपने टर्नओवर का मैं निकालूंगा कितना परसेंट यहाँ पे, 15%, और ये 15% उन लोगों में बांट दूंगा जिन्होंने 50,000 लगातार तीन महीने किए होंगे। मैं रिपीट करूंगा, 50,000 जो मैच करेगा एक महीने में, उसको ये 15% बढ़ता है। वैल्यू कितनी आती है इसके पॉइंट की दोस्त, 4,000 के इर्द गिर्द। हालांकि बता रहे हैं 4,000 आता है, 4,500 से 5,000 के आसपास ही इसकी वैल्यू। यानी कि जिस 50,000 पे दोस्त अब तक आपको दो इनकम तो आई रही थी, एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस, उसी 50,000 को यदि वाकई 50,000 हुआ होगा तो एक नई इनकम आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एक्टिव बोनस। यानी टर्नओवर वही रही बट आपकी इनकम क्या होती है दोस्त, बढ़ जाती है। यानी यदि आप ये बोलो कि मान लो आपका पहला महीना है और इस महीने में गलती से आपका 50,000 हो जाए तो कौन सी इनकम आएगी सर, 50,000 इनकम हो इस महीने में बिजनेस हो जाए तो आपको एक्टिव बोनस आ जाएगी, ये 5,000 भी आ जाएगी। अब 50,000 हुआ तो आपको ये भी 4,000 आ जाएगी सुपर एक्टिव बोनस। ये नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये तीन महीने बाद शुरू होता है और आपका ये पहला महीना होगा जून, राइट, जिनका पिछले महीने हो चुका, उनका दो महीने बाद ही इनकम शुरू हो जाएगा। यानी कि हर 50,000 पे ये इनकम, 50,000 पे तीन इनकम शुरू हो चुकी है दोस्तों। अगली इनकम को बोलते हैं कार फंड बोनस पॉइंट। कार फंड बोनस पॉइंट क्या होता है, यदि 50,000 की आपका बिजनेस मैच करे, मैं रिपीट करूंगा, यदि 50,000 का बिजनेस मैच करे तो कंपनी बोलती है हर 50,000 की मैचिंग लगातार बस तीन महीने कर दो। यानी 50,000 की मैचिंग दोस्त यदि आपने लगातार तीन महीने कर दिया तो कंपनी बोलती है चौथे महीने से एक नई बोनस आ जाएगी, कार फंड बोनस पॉइंट। और कार फंड बोनस पॉइंट कंपनी बोलती है कि टर्नओवर का निकालूंगा 7.5% और उन लोगों में बांट दूंगा जिन्होंने 50,000 बिजनेस को लगातार तीन महीने मैच किया होगा। तो एक पॉइंट की वैल्यू आती कितनी यहाँ पे, 3,000 के इर्द गिर्द। यानी जिस 50,000 पे दोस्तों अब तक आपको तीन इनकम तो आ ही रही थी, सही बताऊं तो वही 50,000 बस तीन महीने मेंटेन हो जाएगा तो चौथी इनकम कार फंड भी आनी शुरू हो जाएगी सेम बिजनेस के ऊपर में, फिर से इनकम बढ़ गई। यानी बिजनेस नहीं बढ़ी बट इनकम बढ़ गई। तो ध्यान देना मेरी बातों को आगे, दुनिया का कोई बिजनेस प्लान हो, दुनिया का कोई बिजनेस प्लान हो, इनकम जब जब नीचे जाएगी बिजनेस तब तब इनकम भी नीचे जाती है। बिजनेस जब जब बढ़ेगी तो इनकम तब तब बढ़ेगी। अब बिजनेस स्टेबल हो जाए तो इनकम स्टेबल हो जाती है। कई कंपनी में तो बिजनेस स्टेबल हो जाए, जनरेशन प्लान में तो बिजनेस स्टेबल हो जाए तो इनकम जीरो हो जाती है उल्टी। आगे बताऊंगा कैसे। हमारे यहाँ देखो बिजनेस तो स्टेबल है डे वन से। हमने तो 50,000 से ऊपर की बात ही नहीं की, हम 50,000 की बात कर रहे हैं पहले महीने से। पर उसी 50,000 पे आपकी इनकम क्यों बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ लगातार आपकी इनकम क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हमारी अगली इनकम ले लेते हैं हाउस फंड।
कंपनी ने बोला कि 50,000 को आपने 3 महीने मेंटेन किया था तो कार फंड शुरू हुई थी। बोलते 3 महीने तो दोस्त खरीद को 3 महीने इसी को और बढ़ा दो, यानी सब मिला के 50,000 दोस्त लगातार 6 महीने मेंटेन कर दो, आपको एक इनकम और शुरू हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं हाउस फंड बोनस पॉइंट। कंपनी का बोलना है कि अपने टर्नओवर का निकालूंगा 5% और ये 5% निकाल के उन लोगों को बांट दूंगा जिन्होंने 50,000 लगातार 6 महीने मेंटेन कर लिया होंगे। अब सवाल है कि इस 50,000 इस पे आएगा कितना, तो इसके साथ 1 पॉइंट की वैल्यू हम बताते हैं 2500, लेकिन आता है 3000 से ऊपर हमेशा, 3000 के जगह हमेशा इसकी वैल्यू रहती है। यानी जिस 50,000 पे अब तक दोस्तों आपको आ रही थी 4 प्रकार की इनकम, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी, कार फंड बोनस, उसी 50,000 को 6 महीने मेंटेन कर जाते एक और शुरू जाती है हाउस फंड बोनस, सेम टर्नओवर पे इनकम फिर से बढ़ गई। जैसे इस इनकम को जोड़ दिया जाए तो लगभग 17,000 की इनकम बनती है आपकी, ये बता रहा हूं कम वैल्यू तब 17,000, वैसे तुम्हारा 20,000 के आसपास आता है अपडेट में, यदि आज मैं मई जून 2020 की बात करूं 20,000 के आसपास आते हैं इसकी वैल्यू, बताते कम है हम राइट, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओवर डिलीवरी ना करें अंडर डिलीवरी करें राइट। तो 17,000 के इर्द गिर्द अब मैं बोल रहा हूं 50,000 का निकालो 30%, कितना परसेंट मैं बोल रहा हूं 30%, सर 15,000 इनका मानी चाहिए थी 17,000, यानी 30 से लेकर के 40%, मैं रिपीट करूंगा दोस्तों 30 से लेकर के 40% की आपको इनकम वीकर साइड का 6 महीने के अंदर आपको आती ही आती है, जिससे हाईएस्ट प्रॉफिट मार्केट में किसी कंपनी के पास नहीं है, मतलब ह्यूज 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 पैसा दोस्तों। लास्ट इनकम इस कंपनी का इट्स कॉल्ड फ्लेक्सी बोनस, जितनी भी डायरेक्ट आपके होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो डायरेक्ट के बाद तीसरा नीचे ही डालना पड़ता है, आपने मान लिया 100 डाल दिए, 50 डाले, 20 डाले, एक ही डाले, जितने आपके डायरेक्ट होंगे उनकी जितनी भी अब तक इनकम बनी, यानी एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी, कार फंड, हाउस फंड, सुपर एक्टिव, ये पांचों इनकम मिला के जोड़ दो, उस पूरे इनकम का 10% दोस्त आपको पहले दिन से आपको यहां पे आना शुरू हो जाता है विदाउट एनी कंडीशन, ध्यान देना। एग्जांपल देता हूं, आप यहां पे आते हैं, आप एक आदमी को ज्वाइन कराते हैं जिसकी इनकम 10 लाख महीने आती है, सर उस 10 लाख का 10% निकाल लो, 1 लाख महीने आपको जिंदगी भर आता रहेगा भले आपका एक ही लेक क्यों ना चले। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पावर लेक से इनकम आती है, आपके आती है, हम तो पावर लेक छोड़ो, मैंने तो एक लेक से भी आती है, तो एक ये पावर लेक की इनकम नहीं, मेरी पावर लेक बड़ी हो गई उससे मेरी आती है 3 लाख के आसपास इनकम, समझना। तो हमारे यहाँ दोनों लेक से इनकम आती नहीं बल्कि सिंगल लेक से भी आती, जो किसी जनरेशन प्लान में सिंगल लेक से इनकम दोस्त नहीं आती राइट। एग्जाम्पल तो मान लिया आपने 1 लोग को लगाया था तब तो आपको आ गया 10%, मान लिया आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दी 100 लोगों की, मैं रिपीट करूंगा आपने ज्वाइन कितने लोग करा दी 100 लोगों की, यदि 100 लोग की इनकम सिर्फ महीने का 20,000 पहुंच जाए, 100 लोग की इनकम दोस्त यदि 20,000 महीने पहुंच जाए तो हर 20,000 का 10% यानी 2,000 महीने आपको आएगा, यदि 10,000 यदि 2,000 पे 100 लोग से दोस्त आ गई तो आपकी इनकम कितनी चली गई, जरा देखना यहाँ पे 2 लाख महीने तो आपकी यही इनकम चली गई। हालांकि मैं आपको एक आइडिया आपको राज में बताऊं, यदि 100 लोग की इनकम 2 लाख महीने पहुंच गई, मैं रिपीट करूंगा यदि 100 लोग की इनकम 2 लाख महीने पहुंच गई तो बिलीव करो आपकी बाकी इनकम 7-8 लाख महीने और हो जाती है, यानी कि आपको लगभग 10 लाख महीने की इनकम चली जाएगी यदि आप 100 लोग को बस 20,000 महीने कमा सको। आज लॉकडाउन के टाइम में कितने लोग दिखावा कर रहे हैं, मैंने ये जूता दान दिया, चप्पल दान दिया, खाना दिया, कुछ दिल से रहे, कुछ तो दिखावा कर रहे हैं बस फोटो खिंचवा के शेयर करने के लिए राइट। मैं बोलता हूँ सर यदि वाकई में असली में किसी को सहयोग करना है ना, तगला 40 साल 20 साल 30 साल से नौकरी कर रहा है आज भी उसके बाद में दवा के इलाज कराने के पैसे नहीं है, उस आदमी को जाके 20,000 महीना कमाना सिखा दो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग देकर सिर्फ, दोस्त इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। और मैं प्राउड होता मुझे बोलते हुए कि मैं नेटवर्कर हूं, मैं लोगों को इनकम करना सिखाता हूं, लोगों को दान नहीं देता, लोगों को दान देना लायक तैयार करता हूं, ये मुझे प्राउड होता है और आपको प्राउड होनी चाहिए। इससे पवित्र, इससे अच्छी व्यवसाय क्या हो सकती है, आप किसी घर का चूल्हे का व्यवसाय कर सकते हो। आप 20,000 महीने 100 लोगों को करवा दो दोस्त, आपको 10 लाख महीने तक इनकम आ जाएगी, इससे अच्छा व्यवसाय की जिंदगी में हो सकता है, क्यों दान करने जा रहे हो, उस पैसे को उसको खर्च करो कि वो भैया ले किराया भाड़ा ले ले, इतना सपोर्ट कर दो करना चाहो तो, अब और जाके फील्ड में दौड़ और ट्रेनिंग ले और सीख के 20,000 महीना कैसे आएगा, 20,000 कमाओ दोस्त, आपको 10 लाख महीने जिंदगी भर आ सकता है, सोचो इतनी बड़ी बिजनेस है ये। फाइनली इस प्लान का दोस्तों कंक्लूजन, लास्ट मोमेंट, अगला 30 सेकंड ध्यान से सुनना क्योंकि 30 सेकंड में पूरा प्लान रिविजन हो जाएगा, जिसको नहीं भी समझ में आएगा उसको रिपीट हो जाएगा। लेट्स सी दोस्तों, सिंपल है, 50,000 की मैचिंग करनी है लगातार 6 महीना, यही इस कंपनी का सबसे हाइएस्ट टारगेट, मैं रिपीट करूंगा 50,000 लगातार 6 महीने करना था, इससे ऊपर कोई भी टारगेट कंपनी के अंदर नहीं है, यही हाईएस्ट टारगेट था। यदि ये करते हैं आप तो सब मिला के कंपनी ने आपको दोस्तों 6 प्रकार की इनकम दी है, आपको याद होगा। इस 6 प्रकार की इनकम को देने के लिए कंपनी सब मिला के आपको कंडीशन कितनी दी थी आपको याद होगा, दो ही कंडीशन था। पहला कंडीशन 2500 की आप मैचिंग करेंगे, दो इनकम शुरू होती है, सबसे पहले आपको एक्टिव बोनस आनी शुरू होती है और 2500 लगातार 3 महीने हो जाएगा तो क्या शुरू हो जाता है, कंसिस्टेंसी बोनस। कंपनी बांट कितना रही दोस्तों, 30 और 10
यानी सब मिला के टर्नओवर का यानी बिजनेस वैल्यू के टर्नओवर का 40% तो आपको यहीं आना स्टार्ट हो जाता है। अब एक कंपनी वाला बंदा बोलता है मेरा प्लान अच्छा है, हम कहे अच्छा वो कैसे भाई, बोलता है कि बस अच्छा है सर आपका बेकार है, नंबर वन कंपनी थी उनकी इंडिया की, हम कहे वो कैसे, बोलता है कि मैंने दूसरे को सवाल पूछा एक बात तो भाई आपके यहाँ पहली इनकम कितना परसेंट बांटी जाती है, तो उसने बोला कि 20%, हम कहे इसके लिए कितना टारगेट करना होगा, बोलता लगभग 3 लाख, गुड, हम कहे हमारे यहाँ जो पहली इनकम दोस्त आती है ना उस पर कंपनी बांटती है 40%, और करना कितना होता है 7500 के आसपास, 7500 क्यों, अरे 2500 2500 तीन महीने करोगे तो दोनों शुरू हो जाता है। मैंने बोला भाई साहब एक बात तो 40 बड़ा होता है कि 20, वो चुप हो गया, समझ गया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मजे की बात कि वो अदर कंपनी वाले बोलते कि मेरा प्लान अच्छा है, उनकी कंपनी 20% बांटती है, वो भी घटा गया तो 11% कर दिया गया कुछ दिनों के लिए अगले 5-6 महीने के लिए, और वो कंपनी वाले बोलते मेरा प्लान अच्छा है जो 20 बांटती है पहली इनकम, हम बांटते 40 बोलते कम है, अब 20 बोलते अच्छा है, उनका 20 सेम रैंक पे जीरो हो जाएगा, हमारा 40 कभी जीरो नहीं होता, लगातार आता रहता है, फिर भी वो बोलते अच्छा है, वो बोलते अच्छा वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये कि उनके लोग ये मान के बैठे कि वो सही बोलता है उसका अप्लाई। भाई साहब आर्यभट्ट के खानदान से हैं या आर्यभट्ट से वो मैथ पढ़ के आए होंगे, वो 20 को बड़ा मानते हैं 40 को छोटा मानते हैं, इतना ढक्कन बंद कर रखा है टीमों का कि 40-20 का अंतर करना भूल गए, जो एक छोटा सा 3 साल का बच्चा भी 40 पे 20 पे उसको अंतर है, 40 टॉफी दो 20 पे टॉफी दो, बच्चा बोलेगा मुझे 40 चाहिए, और ये पढ़े लिखे इंसान जाके इतना ढक्कनबाजी कर रहे हैं कि वो 40 की इनकम बोलते हैं कम है, 20 वाला इनकम बोलते हैं अच्छा है, कमाल की बात है यार, कमाल की बात है यार, ये कमाल की बात है यार, बताऊं तो पहला कंडीशन हमारा क्या था, 2500-2500 की मैचिंग करो, दो इनकम शुरू हो जाएगी और कंपनी के बिजनेस वैल्यू का 40% का शेयर तो आपको यहीं आना शुरू हो गया। दोस्तों हमारी जो अगली स्लैब थी 50,000-50,000 की मैचिंग पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे शुरू होता है क्या, सुपर एक्टिव बोनस, फिर 50,000 3 महीने कर देंगे तो कार फंड, और 50,000 6 महीने कर देंगे तो हाउस फंड। कंपनी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कितना करिए, 15, 7.5 और 5, तीनों मिला कितना हो गया यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता सब मिला के, इसको मैं यहाँ से ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, यस, तो 27.5% दोस्तों कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कब, जब 50,000 की मैचिंग होगी तब। और दोस्तों एक इनकम आ रही थी इनकम की 10%, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सी बोनस, ये पहले दिन से आती है, ये डेवन से आती है, इससे कोई दिक्कत है नहीं, यानी पूरा जोड़ दिया जाए दोस्तों हमारी कंपनी सब मिला के डिस्ट्रीब्यूशन कितना करी यहाँ पे, लगभग दोस्तों 77.5% के आसपास, राइट। और इसमें कंक्लूजन यहाँ पे दिखाया गया कि 77 में कैसे बता रहा हूँ, ये पूरा यहाँ दिखा गया, बाद में पढ़ लेना आप लोग, 77.5%। और किसी भी कंपनी को दोस्त पूरा इनकम लेने के लिए आपको किस रैंक पे, आप कोई कंपनी बोलती मैं बांटता हूँ 60%, लेकिन कब 60 आएगी, एक कंपनी बोलती है भारत की जब उसमें 16 लेग आपको जाएंगे तब वो 60 का 60 मिलना शुरू होता है, एक कंपनी बोलती है कि मैं बांटता हूँ मान लो 62% तो सर वहाँ 14 लेग हो जाएगी तब आएगा, यानी किसी भी कंपनी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन उससे मतलब नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस रैंक पे जाने पे मिलेगा उससे मतलब है। तो किसी भी कंपनी का पूरा इनकम लेने के लिए कंपनी के टॉप रैंक पे जाना पड़ेगा, और टॉप रैंक पे जाने के लिए कहीं 16 लेख कहीं 12 लेख कहीं 18 लेख कोई 14 लेख कोई 20 लोग कोई 15 लेख बनवा रहा है, और 100 लेख पे जाने के लिए कई लाखों करोड़ों के धंधे का टारगेट होता है। हमारे यहाँ टॉप रैंक पे जाने के दोस्त टारगेट क्या था याद है आपको, 50,000 की मैचिंग इंटू 6 मंथ, यही तो था सर, 50,000 3 लाख, 3 लाख बीवी की मैचिंग करनी है 6 महीने में, यही इस कंपनी की सबसे हाईएस्ट टारगेट है। अब ये होगा कैसे सर, मैंने बोला था आपको याद होगा, आई एम सो सॉरी दोस्तों याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यहाँ पे 50,000 की मैचिंग करने के लिए पूरी इनकम आ रही थी, आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यदि यहाँ पे इनकम लेनी हो तो आपको सिर्फ दो ही काम करना था, वो काम क्या करना था, 50,000 की मैचिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था, जब 50,000 की मैचिंग में पूरी इनकम आती है तो आपने 2500 और 2500 की मैचिंग पे एक पॉइंट बनता है, आपको याद ही होगा, यानी 5,000 में एक पॉइंट, तो 5,000 में एक पॉइंट, और आपके टीम में 10 लोग ऐसे आ जाएं जो एक पॉइंट मैच कर सकें सर, 50,000 हो जाएगा, और 10 लोग इधर आ जाएं तो भी 50,000 हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, 10 की टीम पे कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे आप पहुंच सकते हो, यही तुम्हारा प्लान था। अब 20 की टीम बनाने में आपको 20 दिन लगेगा कि 20 महीने ही आप डिसाइड करना, 20 की टीम, यदि 20 की टीम बनाने में आपको लगता है 20 महीने लग जाएगा तो जो 15-15 लेख का आप लोग प्लान करने का सोच रहे हो वहां कितना टाइम लगेगा अनुमान लगाना। 20 लेख बना के 20 की टीम पे 20 लेख नहीं 20 की टीम पे 2 लेख में कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे आप यहाँ पे जा सकते हो। और ये भी प्लान आप नहीं कर सकते हो तो सर नेटवर्क मार्केटिंग से संन्यास ले लो, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं बनी है मेरे मित्र। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस फील्ड को बदनाम मत करो। 20 की टीम नहीं बना सकते आप 20 महीने के अंदर में, 20 दिन में हम कहते हैं चलो 6 महीने 7 महीने में, और तो आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो अपने आप से सवाल पूछना, या नहीं कर पा रहे हो तो अपने अपलायंस से पूछो मुझे सिखाओ, आपको आता नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप सोच लो दोस्त कि मात्र, मैं रिपीट करूंगा, मात्र
20 लोग के टीम पे कंपनी का सबसे टॉप मोस्ट रैंक पे आप पहुंच गए। हम बोलते हैं दुनिया का, इस प्लैनेट का सबसे इजी प्लान है ये, और इसको नहीं कर पाया तो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग संन्यास ले लो, आपके लिए नहीं बनी है, एकदम इजी प्लान। दोस्तों 2500 में आता है आपका तीन इनकम, क्योंकि दो ये और फ्लेक्सी बोनस पहले दिन से आता है, तो 2500 में तीन इनकम, 50,000 में तीन इनकम, प्लान खत्म, 50,000 टोटल इनकम, प्लान खत्म। यही तो प्लान था, सिर्फ 2 लाख ऊपर में, टू इजी, ये भी नहीं कर सकते, क्या करोगे आप। फाइनली 2500 की खरीदारी करोगे लगातार 6 महीने, 7वें महीने उतने के समान फ्री मिल जाता है, ऑफर चलता है, अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम हर महीने कुछ ना कुछ आता रहता है, LDP आती रहती है, और इंटरनेशनल ट्रिप, ये सब 5-4 ऐसे ऑफर दो तो जो अलग अलग कंपनी देती रहती है, ये अलग हमारा एक्स्ट्रा आता है प्लान के अलावा। कंपनी 5% तक का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, यहाँ पे पैसा डाल के बेचती है सबको, राइट। इतना दोस्तों, ये 50,000 कैसे कमाओगे उसका एक रोड मैप है, आप 5 लाख में एक महीने, एक साल में कैसे कमा सकते हो उसका रोड मैप है, जो अपने अपलाइन से पूछना आप। साथ में सक्सेस फार्मूला क्या है, सबसे बड़ी बात इस कंपनी की, सिंपल फार्मूला हमारी टीम की है, क्या है वो, रीच टू टीच टू, यानी दो के पास जाओ, दो को सिखाओ, यही सक्सेस फार्मूला है। आपने पर डे 2 लोग से बात किया दोस्त, 1 महीने में बात होगी 60 लोगों से, 60 लोगों में से सिर्फ 2 लोग को प्रॉपर समझा के लाना बिजनेस में कि भैया 2 लोग पे आपको भी काम करना अगले महीने, साथ में हमने रिपर्चेज करते रहना है। अब यहाँ देखना, यदि आप जनवरी में 2 लोग को लाते हो, फिर 2 को सिखाएं 4, 4 2 को सिखाएं तो 8, 16, 32, 64, 128, यानी सिर्फ हर व्यक्ति 2 लोग को सिखाए, रीच टू टीच टू फॉर्मूले के फॉलो करे, तो सर 1 साल में आपकी टीम होती 8,000 की, और 8,000 की टीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, होंगे 4,000 लोग, वो 4,000 लोग दोस्तों यदि सिर्फ 500 बीवी की परचेजिंग भी कर ले जाएं, तो बिजनेस होगा आपको 20 लाख बीवी के आसपास। यदि आप इनकम की बात करो तो लगभग आपको 6-6.5 लाख महीने की इनकम अप्रॉक्सिमेटली आपको आना स्टार्ट हो जाता है सिर्फ रीच टू टीच टू से 1 साल में। दोस्तों 1-1 साल में हमारी इनकम यहाँ पर 10-10 लाख महीने पहुंची हुई है, वो भी तब जब कंपनी का एक भी ऑफिस नहीं हुआ करता था। तो आपके लिए तो और आसान है यहाँ पे, रीच टू टीच टू से बड़े बड़े आराम से, मैं रिपीट करूंगा, रीच टू टीच टू से बड़े आराम से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं इनकम 1 साल में 5-6 लाख तक की। हम कहते हैं रीच टू टीच टू नहीं काम करेगा, 1 लाख रुपए पहुंचोगे, क्या बुरा है दोस्त, कौन सा अगले 1 साल में आपको 1 लाख रुपए आने वाला है। और जिस कंपनी से आप बिलोंग करते हो वहां पे 1 लाख आ रहा है क्या आपकी टीम में 20 लोगों की, अच्छा 1 साल के अंदर नहीं आ रही, आपकी खुद की नहीं आ रही मुझे लगता है। तो जब 1 लाख महीने 1 साल में वहां नहीं पहुंच पाए, या मैं 5 लाख करोड़ में सिर्फ रीच टू टीच टू पे दे रहा हूं, तब भी आपको डाउट है तो आपका ढक्कन बंद, बस यही बोल सकता हूँ फिर, राइट। दोस्तों ये रही हमारी ऑफर्स, सिंपल प्लान था, रजिस्ट्रेशन करोगे मैं आपका स्वागत करूंगा, फिर हम क्या बोलते हैं चेंज योर ब्रांड, यानी आप पहली परचेजिंग कर दी आपका ब्रांड चेंज हो गया, फिर हम बोलते हैं ट्रेनिंग लीजिए, यानी कि आप दूसरों को शेयर करना है, यही काम था, याद है यूज था, शेयर था, और तीसरा क्या था, सपोर्ट था, तो यूज शेयर सपोर्ट, यही तो दोस्त काम था नेटवर्क मार्केटिंग का, ज्वाइन करेंगे फ्री में, यूज करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, यही 3 स्टेप का काम है, इसके बाद कोई काम ही नहीं होता। अब ये काम में हम जैसे लोग डेली ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, सहयोग कर सकते हैं, ये भी काम आपसे नहीं होगा तो क्या होगा, आप अपने आप से सवाल पूछना, क्लियर सर, अपने आप से आप ये सवाल पूछना। तो ये रही हमारी प्लान, ये हमारी ट्रेनिंग, बाकी बहुत सारी चीजें आपकी बची है। 100% की ग्रोथ दोस्तों हमारी है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी बात ये मेरी नाम है कि 2900 मेरी पहले महीने की इस कंपनी में इनकम आई थी, 6 महीने बाद दोस्तों मेरी इनकम बढ़कर 2,13,000 हुई, 1 साल बाद मेरी इनकम हुई 977, और राइट नाउ मैं 18 लाख के पिछले महीने की इनकम थी। मैं आपको बोला था मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ इस कंपनी में, क्या वो बता दूं आपको, मेरा ड्रीम था कि जितने महीने उतने लाख का पे आउट, आज मेरा 21वां महीना हो चुका है दोस्तों, और 21वें महीने की मेरे पे आउट 21 लाख पार कर चुकी है, करीब 22 लाख के आसपास मेरा इस महीने पे आउट आएगा 10 तारीख को उम्मीद है। कमाल की बात यह है 21 महीने में 21 लाख रुपए महीने के प्राउड हिंदुस्तान में एक भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जनरेशन प्लान में कोई नहीं पहुंचा है, और आपको प्राउड होना चाहिए कि आपकी कंपनी में एग्जैक्टली मैं वो शख्स हूं जो कि आज 21वें महीने की मेरी इनकम 22 लाख आने वाली, 21 लाख नहीं, 21 लाख तो टीडीएस कट के आएगी मुझे लगता है इस बार, कमाल की इनकम है ये जो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बेस्ड करने दोस्तों आज तक नहीं हुआ था, ये हाईएस्ट प्राउड इंडस्ट्री की। आज बात करूं सोनम जाए सवाल, आज एक छोटी सी लड़की, यार मैं इसको मिला था मुझे पता था कि लड़की कैसी थी, सिंपल सीधी सादी लड़की, 3 से 31 की पहले महीने की इनकम, 6 महीने बाद 76,000 की इनकम, 1 साल बाद 4 लाख की इनकम, 16 लाख महीने पर कंपनी लड़की चल रही इस समय, अब समझना लगभग ध्रुव ज्योति कश्यप 1500 की पहली इनकम, 6 महीने बाद 3800 की, 38,000 की इनकम हुई, 1 साल बाद 1,31,000 की इनकम, इसमें लगभग 10 लाख महीने की इनकम दोस्तों इनको फेसबुक से मुझे मिले थे, राइट। आप देखें मनोज परिहार जी हमारे ज्वाइन करने के 6 महीने बाद शुरू किए काम ही, भाई साहब पहले महीने की इनकम 6,000, फिर 50,000, फिर 1 साल में 7,82,000, इसमें लगभग 210 लाख महीने की इनकम में चल रहे हैं। अरे हम बात करें फेसबुक से, फिर एक व्यक्ति हमें खोजते हुए आया था, इंडिया के नंबर 1 कंपनी ज्वाइन करने जा रहे थे, ज्वाइन करने के पहले इनके दिमाग में आइडिया है कि चलो एक बार और कुछ देख लेता हूँ, पहले महीने की इनकम 958, 6 महीने बाद सिर्फ 15,000 तक पहुंच पाए थे बेचारे, 2-73 साल बाद राइट हो 6-6.5 लाख महीने की इनकम, इस महीने की इनकम और बढ़ जाएगी, राइट।
कि बात किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं दीपा जो एक जॉब पीपल थे, लड़की कई सालों से जॉब कर रही थी एक प्राइवेट संस्था के अंदर में, 3900 के पहले महीने की इनकम 15,000, एक साल बाद 92,000 और इसमें की इनकम कितनी है 4-4.5 लाख। पति 80-90,000 महीने की नौकरी कर रहा था और मैडम 4.5 लाख महीना कमा रही। देखिए इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, राइट। आप एक फ्रेशर आदमी मनीष जी जिनकी बात करूं तो 3 से 31 पहले महीने की इनकम, 6 महीने बाद 14,000 जो फ्रेशर कोरिलेट करना है, नेटवर्कर नहीं थे। पिछले महीने के पीछे एक साल बाद सिर्फ 18,000 रुपये थे, पिछले महीने थे 4,21,000 रुपये। दोस्तों इस महीने की इनकम इनकी 6 लाख पार करने वाली, 6 लाख पार कर चुके इस महीने की इनकम ये। जस्ट इमेजिन कि 100% प्रूवन सिस्टम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले से ये प्रूवन है। बाकी आपको नॉलेज चाहिए तो हमारा ये ओके लाइफ मेंटर्स नाम से फेसबुक पेज है, ओके लाइफ केयर नाम से हमारा टीम मेंटर्स का ये आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पेज और टीम मेंटर्स का हमारा ये यूट्यूब चैनल है, साथ में हमारी वेबसाइट, हमारी ईमेल आईडी नहीं जो भविष्य में उसको बताएंगे क्या यूज करना है। इन चीज़ों पे आप कनेक्ट करके भविष्य में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।